गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम जय हिंद कैसे भाई आप सभी उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए मस्त हो गए जबरदस्त हो गए और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना सुबह बजे आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं। और आज से नहीं लगभग पिछले चार से पांच महीने हो गए लगातार जुड़ते हुए तो उसी क्रम के के तहत आज फिर मैं आप सभी के साथ हो चुका हूं। जुड़ चुका हूँ लेकिन आज कुछ अलग है आज वो रोज वाला पैटर्न नहीं है आज वो रोज वाली तरीका नहीं है आज वो रोज वाला कह सकते हैं हम पूरा माइंड नहीं है और आज वो रोज वाली तरह से आप कुछ उस चीज के लिए नहीं खड़े हो कि मेरे को कुछ उस वे में सीखना है आज आपको एनालाइज करना है आज आपके पास में जो आपके जितने भी डाउट हैं जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं जितने भी क्वेश्चन मार्क आपने लगा रखे हैं जितने भी आपके हर एक चैप्टर के अंदर इफ और बट लगे हुए हैं उन सबको खत्म करने का टाइम है तो पहले तो मेरे को ये बताओ मेरी आवाज बहुत आ रही है कि मैं बोलते चले जा रहा हूँ और पता चले कि बस लास्ट में तुम बोलो कि आवाज तो आई नहीं रही थी है ना पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दो तुम मेरी जल्दी बताओ ऑडियो ऑडियो क्लियर है मेरे लाल हाँ ना सबको गुड मॉर्निंग यार सबको नमस्कार सबको प्रणाम सबको जैन सबको राधे राधे सभी का स्वागत है देखो बहुत सारे से नाम आ गए और मैं सबके नाम ले पाऊँ ये पॉसिबल है नहीं और फिर भी मेरे को ठीक है सब यार एक दो बीच में जी सर का तड़का लगा रहे हैं बाकी तो मैं देख लूँ एक बार बहुत सही आ रही है आवाज है ना मेरे को लग रहा है अगर मैं थोड़ा सा राइमिंग कर दूँ ना तो अरिजीत सिंह को फेल कर दूंगा लेकिन दिक्कत ये है कि फिर सब जग जाएंगे सोते से है ना इतनी मधुर आवाज सुन के तो सब कुछ ठीक है तो फिर आज की कहानी का आगाज रहेगा आज कई सारे किरदारों पर हम लोग बात करने वाले हैं आज ए टू जेड कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे आ, मैंने आज आपके लिए ना दो पेर, दो दो में में कह सकते हो रीजनिंग को डिवाइड किया है पहला पार्ट क्या है मैंने पहले तो रिसेंटली पीछे के सारे पेपर को एनालाइज किया पिछले दो तीन साल के और वहां से मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि, कि किस टॉपिक से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आए वो एक मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है तो वो पूरा स्ट्रक्चर में आपको शो करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उस स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर से क्या फायदा मिलेगा उसका फायदा ये मिलेगा कि वो जो टॉपिक है वो जो टॉपिक है वो आपको किसी भी कीमत पर तैयारी करने है वो मतलब होता था ना कि सर को, कि बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कर दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जब स्कूल में जाते थे कॉलेज में ये काम करते थे ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा इसमें बता दो तो वो पढ़ के जाते थे खाली इंपॉर्टेंट वाला पढ़ ले रहे हैं तो आखरी में तो आखिरी टाइम वो इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उन उनपे मार्क कर लेना की पहले चीज उनके अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहला पार्ट किसमें डिवाइड किया अपन ने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें एंड सेकंड पार्ट है जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें क्लियर है डन अच्छा एक्साइटेड कितने हो यार मैं सच बताऊं मैं बहुत एक्साइटेड था और मतलब मैं बारह बजे सोया और मेरी आँख बारह सत्तावन पर खुल गई मुझे ऐसा लगा चार बज गए तो मैंने फ़ोन देखा तो बारह सत्तावन थे दूसरी बार बारह दो बज के शायद उनतालीस मिनट हो रहे थे तब मैं उठ के बैठ गया फिर मुझे लगा कि पाँच बज गए चार बज गए लेकिन नहीं थे हैं और तीसरी बार जब चार बजे तो उठने का मन नहीं कर रहा था ठीक है तो हो जाता है कई बार ऐसा चलिए तो बात कर लेते हैं ओके 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 चलो ओके साहिल चलिए बहुत बढ़िया यार है ना सुपर डुपर चलो एक्साइटमेंट है चलिए तो कहानी का आगाज करेंगे बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन पर अपन चर्चा करने वाले हैं पहले तो सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे क्योंकि सूर्यदेव ने अपना बहुत साथ दिया मैं सच तो देखो पहले दिन से अपने साथ हैं और इन्हीं को प्रणाम करके आज की कहानी का भी आगाज करेंगे क्योंकि एक दिन और हमको मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी और हमको मिल रही है और शायद जहां हम कल खड़े थे वहां वहां से आज आगे बढ़ने का मौका है अगर कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रीजनिंग के अंदर नंबर ले आऊंगा में से तो आज मेरे पास मौका है कि मैं उसको चालीस में कन्वर्ट कर तो नंबर मुझसे नहीं आ रहे थे आज उनको मैं कवर अप कर लू है ना तो वो सारे मौके रहेंगे क्योंकि आज से हमारा रीजनिंग का ये रीजनिंग रिविजन री हो चुका है है ना आर, 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 तो उसी पहलू पर आज हम बात करेंगे तो कहानी का आगाज कर लेते हैं कर ले पलटन तैयार क्यों भाई शुरू करा जाए फिर आगाज़ करा जाए जो स्टार्टिंग पूरा पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को रखा है कि एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन फिर दूसरे टॉपिक के कुछ क्वेश्चन फिर तीसरे टॉपिक के कुछ क्वेश्चन दैट्स व्हाई कि तुम्हारे वो टॉपिक के अंदर अगर कोई डाउट है तो वो भी दूर हो जाए कुछ है तो पूछ सकते हो उनमें इफ़ और बट तुम्हारे खत्म होते रहे तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर रहेंगी है ना चलिए पहले तो यार तुम सबका बहुत सारा सा धन्यवाद इस चीज़ को लेकर की जो कहानी तुम लोगों ने चलाई है और जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो Uh, मैं यही चाहूंगा कि यार उसका रिजल्ट तुमको बहुत जल्दी मिल जाए तो जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा स्टार्ट किया है तो हमेशा मैं कहता खत्म जरूर करना वरना शुरू करने का कोई फायदा है नहीं है ना चलेगा कर ले भाई तैयार पलटन पहले क्वेश्चन पे बात करें क्या लेकिन उससे पहले मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखा दू कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं आ, वो एक आ, आ, मतलब कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक शो कर दू चाय चाय अभी पियेंगे यार अभी तो चाय वाय पराठा सब मंगवाया तुमसे तो मैंने ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले तो। से पहले जो मैंने पच्चीस क्वेश्चन का सेट क्यों बनाया उसका एक रीजन बताता हूँ आपको पता होगा जो अभी लास्ट पेपर हुआ उससे पहले जो पेपर हुआ करते थे वो पूरे पच्चीस क्वेश्चन के पैटर्न पे हुआ करते थे तो मैंने पीछे तक का सब कुछ एनालाइज किया दैट्स दट मैंने इसको पच्चीस की कैटेगरी में रखा है ट्वेंटी फाइव की कैटेगरी में रखा है बीस की कैटेगरी में नहीं रखा तो आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए टॉपिक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग यहां से लगभग तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते आते हैं मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन जहां नंबर सीरीज और आपका मिसिंग नंबर रहता है वेंडाइग्राम का क्वेश्चन स्लॉक का क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग है ना ऑर्ड वन आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया एनालॉजी हो गई सीरीज हो गई जो आपकी फिगर सीरीज वगैरह होती है वहां से कंप्लीट फिगर अधूरी पिक्चर को पूरा करना होता है है ना और सिटिंग एरमेंट पर लीनियर पर ज्यादा फोकस किया गया है अगर हम कंपेयर एस एस जीडी के पेपर पे को एनालाइज करते हैं जीडी के पॉइंट से बता रहा हूँ ये सब कुछ लीनियर पर ज्यादा फोकस किया गया है वही मेर इमेज तो ये वो चैप्टर बनते हैं ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस उतना नहीं आया है। अगर आप प्रीवियसर को एनालाइज करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ बाकी में वैसा नहीं

तो उस चीज पर मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा है ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा जो है ही नहीं तू वो भी होना पड़ेगा और सुना सुना है 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 मेहनत मेहनत से से मिलता मिलता सब सब तो फसल काटने से पहले बीज बोना पड़ेगा तो दोस्त एक चीज याद रखो अगर तुमको कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज नहीं है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया है ना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा मतलब नींद चैन थोड़ा तो यार आराम अपना खोना पड़े तुम सोच रहे हो आराम करके तुम सोच रहे हो वो पूरा शरीर को आराम देकर वही सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो फिर पहले ही ना मिल जाता फिर उसका वेट क्यों करना है ना और हमेशा अगर कभी एक छोटी सी एक किसान है जिसको पता है कि उसके पूरे खेत हैं बहुत बड़े खेत क्यों ना हो कितने भी ज़्यादा जगह क्यों ना हो लेकिन अगर उसमें बीज ना बोया जाए ना तो फसल नहीं उगती ये चीज़ याद रखना वो जगह मैटर नहीं करती है कि कितना बड़ा किसान है कितना ज्यादा खेती उसके पास है मैटर मेहनत मेंट ही करती है कि उसने उस खेत के अंदर कितनी मेहनत करी उसने बीज बोया कि नहीं बोया उसने रातों को जग के जाके पानी लगाया कि नहीं अगर लाइट आ गई तो जाते हैं जिनके यहाँ ट्यूबवेल होते हैं कि रात को भी जा रहे हैं चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो अगर खेत को पानी की जरूरत है बेचारा जाएगा रात के बारह बजे भी एक बजे भी अगर लाइट रात को आ रही है तो है ना धूप पड़ रही हो कितनी भी लेकिन खेत में काम करना है तो करना है तो मेहनत पर डिपेंड करता है आउटपुट जो फसल काटोगे ना उससे पहले एक बीज बोना पड़ रहा है वरना वो फसल नहीं कट पाएगी तो एक फसल भी काटने के लिए भी हमें अगर बीज बोना पड़ रहा है तो जिंदगी के अंदर भी कोई फसल काटनी है तो उसके पहले उसके बीज बोने पड़ेंगे और बीज क्या होते हैं बीज बोने के बाद उस पर मेहनत करनी पड़ती है जैसे खेत के अंदर मेहनत करते हैं ना नाई सिंचाई सब कुछ तो वैसे ही तुमको अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त पा सब कुछ लोगे समय लगता है कई बार कई बार नहीं लगता और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो कई लोग बोलते हैं कि यार इतनी सी वैकेंसी है क्यों करूँ तैयारी तो एक चीज़ बोल लो ना करके कहाँ खड़े हो कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास एक बार तैयारी करके देख लो दिल से मैं हमेशा कहता हूँ सफल हो जाओगे सक्सेसफुल और गवर्नमेंट जॉब दोनों में बहुत अंतर है समझ में आ रहा है कई बार नौकरी ना लेकर भी आदमी सफल होता है तो तुमको लाइफ में जिंदगी में सफल होना है समझ में आ रही बात चलिए तो करते हैं शुरुआत कहानी की और चलते हैं आज के दिन के पहले प्रश्न की तरफ तो पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो पलटन कितना आएगा जल्दी मेरे लाल पहले प्रश्न का उत्तर बताओ पलटन कितना आ रहा है आज तो मुझे लग रही सब उठ गए अच्छा कितने लोग ऐसे जो शुरू भी कर रहे हैं और आज की क्लास खत्म तक जुड़े रहेंगे क्योंकि सीखने में तब मजा आएगा जब लास्ट तक टिके रह गए चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है बी आंसर में आ रहा है कुछ लोगों का डी आंसर में आ रहा है कुछ लोगों का और कुछ बताओ कुछ नया कुछ पुराना ऑप्शन गलत है क्या कुछ एक दादी माँ महिला दादी माँ महिला ऑप्शन नंबर बी वाले काफी आ रहे हैं सेकंड वाले काफी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी करो कोई और देखो जब भी कोई वेंडाइग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना तो हमेशा क्या करो सबसे पहले उसकी एक कैटेगरी को इंडिकेट कर लो मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन में से मैं तुमको बता दूं कि पहले एम टी एस की एग्जाम में आ चुका है है ना तो जब भी किसी क्वेश्चन को आप इंडिया बना रहे हो तो क्या करो उसमें सबसे पहला काम यह करा करो उसकी कैटेगरी ड्रॉ कर लो कैटेगरी अपने पास में क्या होगी कैटेगरी अपने पास में होगी फीमेल मानते हो महिला की कैटेगरी हो जाएगी तो जितनी भी अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेशन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी आ, कह सकते हो कि माँ होती हैं वो सारी महिला होती हैं तो ये मदर आ गई ऑल मदर आर फीमेल यस सो नो जल्दी बताओ सारी की सारी माँ जो होंगी वो महिला में आ जाएंगी तो सारी माँ महिला में चलेंगी उसके बाद अगर अपने पास में कुछ बच रहा है तो क्या बच रहा है दादी तो यार एक चीज बताओ अगर कोई दादी बन रहा है अगर कोई ग्रैंड मदर बन रहा है तो क्या वो मदर नहीं रहा होगा क्या वो माँ नहीं रहा होगा खुद से सोच के बताओ अगर कोई दादी बन रहा है तो क्या वो माँ नहीं होगी माँ बिना बने दादी बन सकता है कोई तीन जनरेशन चाहिए अपने को दादी बनने के लिए तो पहले वो मदर रही होंगी उसके बाद वो दादी बनेंगी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली चीज है कि जितनी भी दादी होंगी वो क्या होंगी वो माँ तो रही होंगी तो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्लियर है सबको फर्स्ट इज द राइट आंसर यस और नो क्लियर है मेरे लाल ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाले जितने भी आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट चले भाई आगे की तरफ तो बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पे इसका आंसर निकालो हम बिल्कुल सही बात है क्योंकि सास भी कभी बहुत थी देखो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी प्रश्न संख्या दो का आंसर करो कितना आएगा आज की एक क्लास कर लो कंप्लीट तुम्हारी पूरी रीजनिंग का फिर तुमको रीजनिंग के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी थोड़ा बहुत कभी कर लिया कर लिया वैसा करोगे बस आज का कंप्लीट रिविजन कर लो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाएगा तुमको जितने भी टॉपिक आने हैं जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं फिर चाहे तुम यूपी पुलिस के लिए जा रहे हो या फिर एस एस के लिए बाकी एक मैराथन में कल भी लूंगा एक मैराथन में संडे भी लूंगा सी और बी आ रहा है अच्छा केला बैगन और सब्जी तो ये तो सब्जी आ गई तुम्हारी वेजिटेबल है ना तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है बैगन तो ये तुम्हारा बैगन हो जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा ये तुम्हारा बनाना आ जाएगा ठीक है तो कुछ इस प्रकार का आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी को इंडिकेट करेगा थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है तो सी इज द राइट आंसर क्लियर है चले आगे मेरे लाल जितने लोगों का उत्तर सी बन रहा है ऑल आर करेक्ट सारे के सारे बिल्कुल ठीक है तुम तो में से कही ना मतलब क्या बताएं तुमको तीसरे का आंसर बताओ जल्दी कितना आएगा ऑप्शन ए और सी फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर कितना आएगा दोस्त जल्दी ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम से पूछा गया फैक्ट्री उत्पाद और मशीनरी खासतौर तो पर एफकेड के एग्ज़ाम में आए हैं फैक्ट्री प्रोडक्ट और मशीनरी आज के लिए खास आए हो अच्छा चलो बहुत बढ़िया तो अभी कुछ लास्ट में जाते टाइम आप लोगों का टीका करवा के एक एक लिफाफा देंगे आपको परेशान मत होना है ना और एक गोला बाकी कपड़े आप लोग पसंद से ले लेना अपनी है ना वरना हम पसंद करें तुमको कोई सस्ते वाले दे दिए ठीक है तो कपड़े अपनी पसंद से ले लेना टीका करवा देंगे एक लिफाफा दे देंगे लिफाफे में पांच एक रख देंगे 2000 का दो बंद हो गया नोट फैक्ट्री दे रखा है उत्पाद दे रखा है और क्या दे रखा है साथ में आ, मशीनरी दे रखी है तो चर्चा कर लेते हैं कितना बनेगा इस पे ये हो जाएगी तुम्हारी फैक्ट्री फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट भी होते हैं फैक्ट्री के अंदर आपकी मशीन भी होती है तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन भी सेकंड वाले सारे ठीक होंगे क्लियर है चले आगे की तरफ तो जितने बी वाले आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार से मुलाकात कर लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम में है कई बार जज का पुलिस कर दिया है लेकिन बहुत एग्जाम में आ रखा है इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से मेरे लाल अच्छा एक ऑप्शन इसमें शायद रह गया मैं ऐड कर दूं ई ऑप्शन ये शायद इसमें छूट गया छूटना चाहिए था नहीं वैसे ये ठीक है ई ऑप्शन ये करो ये आंसर कितना आएगा ए और बी चलिए बहुत बढ़िया ए भी आ रहा है बी आ रहा है हमें क्या मिलेगा ग्यारह सितंबर ग्यारह सितंबर वालों को तुम लोग क्या लोगे बताओ तुम लोग घर वालों के लिए भी कपड़े पैक करवा लेना देख लेना एक कि है ना ठीक रहेगा ऑप्शन बी आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद चाय के लिए मेरे लाल लेकिन तुम्हारा नाम देखने से पहले कमेंट गायब हो गया चलिए काफी सारे आंसर्स सा आ चुके हैं मेजोरिटी सी के साथ आगे बढ़ रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ अब सही करने की हिम्मत भी तुम्हें आ चुकी है है ना चलो चर्चा कर ले जब भी बात कर रहा है इसकी जज की थीफ की क्रिमिनल की तो अपने को पता ही क्रिमिनल हो गया क्रिमिनल मतलब जो भी अपराधी है तो जितने भी चोर होते हैं वो सारे क्रिमिनल होते हैं तो ये सारे थीफ हो गए ये क्रिमिनल हो गए और यहाँ पे आ जाएंगे आपके जज तो जज जो होते हैं वो कोई क्रिमिनल थोड़ी ना होते तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाले सारी के सारे बिल्कुल करेक्ट है क्लियर है जल्दी बताओ हाँ ना यहाँ पे कई बार क्या कर रहा है कि जज की जगह पे पुलिस दे दे रहा है एग्जाम में

इस वेंडाइग्राम का नाम क्या है जल्दी से बताओ कुछ बताओगे मिक्स मिसलेनियस ये जो वेंडाइग्राम होता है इसको पर्टिकुलर बोलते हैं कौन सी कंडीशन है पर्टिकुलर की कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन बनेगी बी वाली सेकंड। सब पढ़ा लिखा तुम खराब कर दो मिक्स मिक्स कर करके ये आता है मिसलेनियस यानी कि मिक्सर ये मिक्स है इसका क्या नाम है पहले वाले का ए ऑप्शन का ए ऑप्शन का नाम बताओ ए ऑप्शन का नाम जो आएगा वो आपका क्या आएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव ठीक है सार्वभौमिक सत्य तो नाम वाम भी पता रखो थोड़ा सा मतलब पढ़ाया है तुमको तो ना पढ़ाया हो तो ना रखो तो चले भी तुम लोग ऐसे करो तो कैसे चले चलो इसका आंसर निकालो पाँच कितना का कितना आएगा ट्राई करो इसको जल्दी से हमें लगा था कि आप ये ज़रूर पूछेंगे चलो अच्छी बात है कि आप लोग मुझे इतना जान गए हैं मेरा तो मन नहीं था ऑप्शन भी लाने का ये डायग्राम बना के मेरा तो मन था वही नाम लिख के लाने का लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा तैयार कर लें पहले तुमको ये बेल्टन कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से बताओ समझ रहे हो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए देख ले कितना आएगा यहां पे आपसे क्या कह रहा है अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजें इंडिकेट कर रही है पहले तो ये समझो Uh, सबसे पहले कहा गया एक बगीचे में दी गई आकृति वर्ग उस क्षेत्र को दर्शा रहा है जहां पर क्या है कटहल तो ये वर्ग वाले क्या हो गए कटहल वाली जगह हो गई कटहल वाली दे रखी है ना है ना हाँ ठीक है जैक फ्रूट में आ गया उसके अलावा आगे क्या दे रखा है व्रत आम के पेड़ों को दर्शा रहा है व्रत जो है वो मैंगो ट्री हो गए ठीक इसके बाद में आगे क्या दे रखा है और दे रखा है आपका त्रिकोण जो है नारियल को दर्शाता है ये कोकोनट हो गए चलो तो अब क्या कह रहा है कौन सी संख्या उस सामान्य क्षेत्र को दर्शाती है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ हो जाए। मतलब तीनों के तीनों के कॉमन होने चाहिए मतलब भी भी हो, भी हो स्क्वायर तो सही, सारे सारे सही कहलाएंगे हाँ या ना तो करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी कितने ऐसे हैं जो केवल और केवल आम और कटहल के पेड़ों को दर्शाते हैं कितने ऐसे हैं जो आम और कटहल के पेड़ों को दर्शाते हैं केवल अगर केवल लग के आ रहा है तो फिर ये दो हो जाएगा ये दो ऐसा पोर्शन है जो आम और कटहल के पेड़ को दर्शा रहा है ठीक है चलो तो आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ इसका आंसर निकालो छठे प्रश्न का कितना आएगा प्रश्न संख्या छह का उत्तर बताओ कितना है मेरे लाल कोई समोसे लाया है ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी, 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 ए, 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 सी। अरे बिना सर को भी मेरी तरफ से बहुत सारा सा प्यार दोस्त बहुत सारा सा दिल से प्यार अपनी तरफ से अपनी पूरी पलटन की तरफ से चलिए इस पे चर्चा कर ले कितना आएगा नहीं हो रहा ये क्वेश्चन चलो पे दिया गया कितनी धातु की गेंदे भी भारी है कितनी धातु की गेंदे मतलब धातु समझ रहे हो ना मेटल Metal वाली ये वाला पोर्शन अच्छा गेंदे मतलब ये वाला मतलब ये वाला वाला पोर्शन पोर्शन मतलब तीनों में जो कॉमन आएगा जो तीनों के अंदर कॉमन आएगा वो कितना यही वाला इकतीस हाँ या ना ये इकतीस ऐसा है जो तीनों में आ रहा है तो ये इकतीस ऐसी धातु की गेंदे हैं जो भारी भी है तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी बोले तो सेकंड सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे क्लियर है मेरे लाल या ना जल्दी बताओ चले आगे

स्टार्टिंग में अपन ऐसे ही चलेंगे और लास्ट पूरा पूरा जो गलतियां उनको एक्सेप्ट जरूर करना ठीक है और तौर पे डेली वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो गलती करो उसको एक्सेप्ट जरूर करना क्योंकि जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप उसको सही करना समझ सही करना आ जाता है आपको ऑटोमेटिकली जब आप मन से मान लेते हो ना कि हाँ यार ये तो मुझसे गलत हुआ तो फिर आपका ऑटोमेटिकली जो माइंड है वो फिर इस चीज़ पर रिएक्ट करता है कि इसको सही कैसे कर सकते हैं लेकिन जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तब तक फिर वो आपको दिक्कत देगा हमेशा आप अपने आप को बहला के फुसला के रखोगे कि अरे ये तो मैं कर दूंगा ये तो मेरे से हो जाएगा लेकिन आपको आता ना हो तो फिर आप सीखने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाओगे सीखने के लिए मानना जरूरी है डाउट है बताओ क्या डाउट है जल्दी ए ए ए आर 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 डी फर्स्ट एंड फोर्थ चर्चा कर ले दोस्त कितना आएगा समझ लो आराम से कॉपी लिखा हुआ है बोले ठीक है अब जितने भी जितने भी भी आज आज नए जुड़े हो हो ही दिन क्लास कर रहे या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरी कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लासेस नहीं ली है उन सब ने यह क्वेश्चन गलत किया होगा यह मैं लिख के दे सकता हूं उन सब ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा जितने बच्चे नए जुड़े हो जितों क्लास नहीं किया और गलत किया हो तो एक बार बताना जरूर लिखे कि हाँ सर मुझसे गलत हुआ

मेरे मेरे को इतना बता दो मेरे लाल ऑप्शन e e तो गलत है सारे ऑप्शन ऑप्शन ही गलत है क्योंकि हम तो गलत हो ही नहीं सकते गलत क्या है गलत है ऑप्शन तो अब समझो क्या होगा मेरे लाल ऑप्शन कुछ गलत नहीं है समझ लो जरा पिक्चर कुछ इस प्रकार है जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हैं जल्दी बताओ कई बार समझाई तुमको जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हैं जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक ही काम करते हैं प्लेस वैल्यू लिख लो और जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे अपने आप लॉजिक मिल जाएगा बोले कैसे गुरु जी देखो जैसे हमने इसकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन करी हमको समझ में आ गया कि भाई इसको क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा डिक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो घटता हुआ क्रम चौथी क्लास में पढ़ोगे पढ़े हो आरोही क्रम और अवरोही क्रम है ना तो क्या किया नंबर्स को घटते हुए क्रम में रखा है घटते हुए क्रम में इन द सेंस पहले इन सब में सबसे बड़ा कौन बोले 25 तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा बोले सोलह फिर, फिर क्या -क्या, तो तो बारह लिख दो उससे छोटा बोले नौ लिख दो उससे छोटा बोले छह लिख दो उससे पांच लिख दो बारह मतलब एल नौ मतलब आई छे मतलब एफ और पांच मतलब ई एल आई एफ ई बोले लाइफ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोले क्लियर है कि नहीं है जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है मजा आया कुछ नींद खुल गई दिमाग खुल गया कि हाँ चलो हो गया खासतौर पर जितने नए कुछ सोच के आयोगे कि इस क्लास में चलते कुछ नया सीखने को मिला होगा एक नया लॉजिक क्योंकि आज के टाइम पे ये एडवांस लॉजिक बहुत आ रहा है एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लियर है तो किस किस का गलत हुआ था पहले ये बताओ जल्दी से एक बार जरा किस किस का गलत हुआ था ईमानदारी से बताना

निकालो जल्दी से कितना आएगा निकालो 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 कोई बात नहीं प्रमोद कोई बात नहीं मेरे लाल गलतियां होती हैं गलतियां गलतियां करने के लिए ही है लेकिन गलती करने की जगह सही चुनो क्लास चुनोगे तो ठीक है एग्जाम चुनोगे तो गलत है निकालो भाई इसका आंसर कितना आ रहा है मोई मोई हो गई तो अब जल्दी से आ जाओ इस पे इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा स्पीड में कर दो भाई बहुत शानदार गजब जिंदाबाद कई सारे से लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर एक क्या बात है मेरे शेर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना बहुत शानदार ए वाले काफी आ रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट लिखा हुआ है है ना जब ऑपोजिट लिखा है फिर क्या ही लिखा है चलिए चर्चा कर लें बहुत सारे से लोग एक के साथ आगे बढ़ रहे हैं अब तुम देखो ये कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पहला चैप्टर माना जाता है और जिस चैप्टर को शायद तुम लोग कभी आज तक जीवन में किसी से नहीं बोले होगे कि कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आती है

लेकिन ओ का ऑपोजिट एल होता है मेरे लाल तो एल कहाँ लिखा है या? ये बताओ हमको जल्दी से ए वालों यहाँ जी के साथ में एल लिखा होना चाहिए था एम दे रखा है तो आंसर में बदलना ठीक है तो पंगा क्या चल रहा है वो समझ लो ए होता है एक पे एन होता है चौदह पे ही होता है छब्बीस पे ही होता है तेरह पे कुछ नहीं किया माइनस वन किया इसके पहले वाले को लिखा है तो वही पैटर्न यहां अपना देंगे जब वही पैटर्न यहां पर आएंगे तो क्या आएगा मेरे लाल ये होता है बीस पे ये होता है पंद्रह पे मतलब इसमें से एक माइनस करोगे उन्नीस एक माइनस करोगे चौदह होगा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है जल्दी बताओ फोर्थ इज द राइट आंसर तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा फोर्थ बनेगा ऑल आर करेक्ट क्लियर हुआ हा या ना जल्दी 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 माइनस वन चल रहा है तो माइनस वन के पैटर्न के साथ हम लोग क्या कर देंगे इसको और दिमाग में पेपर में करता लेकिन अब मैंने यहां कर लिया पेपर में मैं नहीं करूंगा ये वाली गलती अब मुझे दिमाग में रहेगा ऐसे भी करना होता है अगर ये वाकई में लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक वाइक करके चलना अपने आप से अंगूठे का प्रयोग करके गुरु दक्षिणा सबकी तरफ से आ जानी चाहिए जिसकी तरफ से आई हो तो जिन बच्चों की गुरुदक्षिणा नहीं आई है अंगूठा काट के नहीं देना है अंगूठे से लाइक कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आगे चलते और बात करते प्रश्न पे इसका आंसर निकालो ये एक और क्वेश्चन खतरनाक सा और ये भी बच्चे वो गलत करेंगे जो आज पहली बार क्लास में आएंगे नहीं पढ़ी है करके देख लो ना मानो तो ईमानदारी के साथ करके देख लो ना गलत हो तो बताना मैं आज लाया ही वो क्वेश्चन हूं खासतौर तुम्हारे लिए सजा के जिनमें तुम गलतियां करते हो जिनमें तुमसे गलतियां होती हैं इस प्रश्न का आंसर निकालो जल्दी से कितना आएगा पलटन मैं ऐसे ही थोड़ा बोल रहा हूँ कि ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई तो रीजन रहा होगा उसका डेमो तुमने देख लिया होगा कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही कि जब कोडिंग रिकॉर्डिंग में मैं इतनी गलतियां कर सकता हूं तो यार बाकी टॉपिक तो अभी बहुत दूर है समझ रहे हो निकालो कितना आएगा दोस्त चलिए कर दिया है आप लोगों ने काफी है बाकी जिसकी तरफ से नहीं आई है वो लोग कर सकते हो चलिए भाई कितना आएगा दोस्त आंसर बताओ जल्दी से चलो बहुत शानदार ऑप्शन नंबर बी बी क्यों आ रहा है अब बी वाले पता है कौन से हैं जो पुराने हैं उनको तो पता है जो नए हैं है ना वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं पता ही होगा तुमको मोहल्ले की दुकान और दुकान वाले से चचा कहते हैं अपन है ना तो अपन गए चचा के पास अपने कहा एक किलो चीनी दे दो तो चाचा बोले तैंतीस की ना है बेटा इकतीस की है उन कहा इकतीस की है तो हमने हमारी जेब में हाथ डाला तो हम पे थे बत्तीस रुपया इकत्तीस तो दिखे नहीं यहाँ पे तो हमने कहा कि चाचा बत्तीस रख लो एक रुपये आगे लगा लियो है ना किसी पे थे तीस तो उसने कह दिया तीस क्योंकि हमको तो खेलना है बत्तीस इकतीस के पास इकतीस अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इकतीस के पास वाला आंसर देंगे बत्तीस दे दें तीस दे दें एक तो आगे पीछे चल जाएगा क्या दिक्कत है एग्जामिनर नहीं निभाएगा रिश्तेदारी इकतीस का मतलब इकतीस और बत्तीस का मतलब बत्तीस तो छे काम मत करियो वहां जाके कि इकतीस आ रही है और बत्तीस आ रही है तो 30 लगा के चले आओ ठीक है लाला देखो का टी एच ई और इसको करके अलग से मजा आ जाए तो जो बच्चे कुछ रह गए जिसने अभी तक गुरुदक्षिणा नहीं दी है तो दोस्त सुबह सुबह का वक्त है गुरुदक्षिणा से कोई ना इंसाफी नहीं पूरी तरह से गुरुक्षिणा तुमको तो देनी पड़ेगी लॉजिक बैठ के बनाए तुम्हारे लिए किसी किताब किसी उसमें नहीं मिलेंगे अलग से सोचने पड़ते हैं इनमें बहुत दिमाग लगता है चलिए यार टी का कोड है बीस

क्लियर है मेरे लाल हाँ या ना जल्दी बताओ योगफल करने के बाद उसके अंकों को आपस में परस्पर बदल कर लिख दिया है कुछ और नहीं किया है तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है फोर्थ वन इज द राइट आंसर चल सकते हैं आगे हाँ की ना जल्दी, जल्दी 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 चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक बोर तो नहीं हुआ नो क्वेश्चन के अंदर तब तो पूरी क्लास करने का फायदा है अगर अभी बोर हो गए तो बेकार है फिर क्लास करना इसको निकालो कितना आएगा दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताओ खास तौर पे कितना आ रहा है आज दिमाग ठीक से खुल गया चलो लव यू टू मेरे लाल इसका उत्तर बताओ कितना आएगा Next question आ चुका है आप आंसर निकालिए <laughs> इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा अब तो मजा आ गया वो एकदम है अरे सर बस इसी की जो तलाश में थे हम इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बस है ना पूरी और आलू टमाटर खा के उठे थे कि मम्मी बोली थोड़ी सी खीर ले ले हैं और हमने कहा नहीं मम्मी पेट तो भर गया है मम्मी ने कहा थोड़ी तो खा के देख तो हमने कहा लाओ दे ही दो अब दब दे रही हो तो, त तो ये तो क्वेश्चन तुम्हारा खीर का, का काम कर रहा होगा एकदम कि बस इसका तो इंतजार था हमको इतनी देर से मेहनत इसके लिए कर रहे थे कि बच्चा किससे खेलेगा अब हम बताते हैं किससे खेलेगा है यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इरेजर को वॉक्स बॉक्स को पेंसिल पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है शार्पनर को बैग कहा जाता है तो बच्चा किससे लिखेगा अगर लिखने की बात कर रहे हैं तो पेंसिल से लिखेगा और पेंसिल को क्या कह रहे हैं पेंसिल को कह रहे हैं शार्पनर तो आंसर कितना आ जाएगा शार्पनर ऑप्शन डी क्लियर है फोर्थ वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर डी बन रहा है फोर्थ बन रहा है ऑल आर करेक्ट डी वाले सारे के सारे सही हो जाएंगे चले आगे लाल चलो ग्यारहवीं का आंसर निकालोगे निकालो भाई साहब जरा जल्दी से कितना आएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे लाल इसका आंसर बताओ कितना बन रहा है खीर कल खाई थी देखो अकेले अकेले खीर खाने वालों को दुनिया माफ नहीं करेगी और उसके बाद 2800 बच्चों के सामने इस चीज को कबूल करने के लिए तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी इसका आंसर बताओ कितना आएगा <coughs> कुछ आ रहा है बेड बहुत शानदार गजब जिंदाबाद देखो मेरे लाल कितना आएगा इस प्रश्न पर बात कर ले

कॉमन है टी ए बोले ना सिर्फ तेज कॉमन है अगर सिर्फ तेज कॉमन है तो एक ही वर्ड कॉमन होगा जो तेज का कोड होगा कौन सा बेड बेड इसमें इस तो, तो, सारे सारे तो बहुत आराम कोडिंग का पार्ट होता है, है ना तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है चले भाई आगे बात कर ले जरा जल्दी से बारह का निकालोगे आंसर वास्तर कर दो बी वाले काफी हैं अच्छा कल मेरी एक और मैराथन है जो सुबह नौ बजे से तो कल सुबह नौ बजे से जो जुड़ पाओ वो जुड़ जाना ऐसा कुछ नहीं है बाकी आज वाली कर लो आज वाली तो कंप्लीट है ही रीजनिंग कल पेपर लगवाऊंगा आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं कल पेपर है तो कल सुबह नौ से बारह जुड़ सकते हो चलो चर्चा कर ले कितना डी आर है देखो यहाँ पे ना रिकॉर्ड का एक कोड दे रखा है रिव्यूज का एक कोड दे रखा मैं यहाँ पे रिव्यूज लिख देता हूँ वहां से व्यूज निकालना आसान होगा ये कौन सी कोडिंग है

कोडिंग डिकोडिंग के लिए दो चीजों का तुम्हें बहुत ज्यादा खासा ध्यान रखना है पेपर के अंदर करने के लिए बता देता हूँ दो चीजें कौन सी एक ऑपोजिट लेटर दूसरी प्लेस वैल्यू अगर ये दो चीजें तुमको आती हैं तो कोडिंग डिकोडिंग तुमको कभी दिक्कत नहीं देगी एग्जाम में क्लियर है लाल चले आगे डायरेक्ट कोडिंग है बिल्कुल ठीक है तो आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं इसका आंसर निकालो अब हम बात करेंगे थोड़ा मिसिंग नंबर पे ठीक है थोड़ी सी चर्चा चलेगी मिसिंग नंबर को लेकर नंबर सीरीज को लेकर इस पर बात करेंगे नंबर सीरीज भी बहुत जबरदस्त है करो इसका आंसर कितना आएगा निकालो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कितना बन रहा है पता कैसे चलेगा डायरेक्ट कोडिंग है जो शब्द दे रखे होंगे ना वही पूछेगा समझ में आ रहा है जैसे रिव्यूज के अंदर जो व्यू दे रखा था तो अगर वही अक्षर पूछ रहा है यही वाले

अब बाईस ऑप्शन में होगा नहीं वैसे है क्या नहीं है होना भी नीचे है था। बाईस होता बात हो जाती <coughs> क्या रहा है नीचे वाले का स्क्वायर और वाले का स्क्वायर माइनस किया, तो किया है तो अड़तालीस आया है तो सेम यहाँ पे पांच का स्क्वायर पच्चीस और तीन का स्क्वायर नौ माइनस करेंगे तो सोलह आएगा क्लियर लोग कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी इसमें आ गया समझ में क्या चल रहा है दोनों का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं नीचे वाले नंबर का भी और ऊपर वाले नंबर का भी इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा चल सकते हैं आगे की तरफ जल्दी बताओ हाँ या ना? चलिए तो अब बात कर लेते हैं चौदह नंबर पे। इसका आंसर निकालो कितना आएगा ट्राई करो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ पलटन कितना आ रहा है मजा आ रहा है चलो समीर बढ़िया है करते चलो <coughs> <coughs> कितना का इसका आंसर क्या लिखना चाह रहे दोस्तों आज थ्री के पास पहुंचे ये बहुत दिन के बाद जागे हैं कहीं इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है देखो दो तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के या तो वो या भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा या तो रो वाइज आएगा मतलब कॉलम वाइज या रो वाइज आएगा अब कैसे पता करें कि कॉलम लग रहा है कि रो लग रहा है तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका जब भी कोई पैटर्न बन रहा होगा ना कि ऐड करके मल्टीप्लाई करके कुछ भी तो दो छोटे नंबर के साथ में एक बड़ा नंबर देगा और जो बड़ा नंबर देगा तुम समझ लेना वही जो बड़ा नंबर है वो उन छोटे नंबरों की सहायता से आ सकता है अब इसमें मुझे दिख रहा है कि बीच में बड़ा नंबर लिखा है लिखा है कि नहीं लिखा है जल्दी बताओ अगर बीच में बड़ा नंबर लिखा है तो सिंपल पैटर्न है कि इन छोटे नंबर से ये बड़ा नंबर बनेगा सीधा तरीका ये है तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनेगा कैसे तो ये बन रहा है 20 और और को को आपस में जोड़ोगे कितना होता है जोड़ के 38 बनता है और बीस का दुगना छिहत्तर हो गया पंद्रह और सत्रह को आपस में जोड़ के बत्तीस बनता है बत्तीस का दुगना चौसठ हो गया सोलह और बारह को आपस में जोड़ के कितना बनेगा अट्ठाइस बनेगा का अट्ठाइस छप्पन होता, होता है तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों छप्पन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा समझ में आया हाँ फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है दोनों नंबरों को साइड वालों को ऐड कर रहे हैं ऐड करके उनका डबल कर दे रहे हैं डबल जो कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है आई होप क्लियर होगा सबको चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह से मुलाकात करके इसका आंसर निकालो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है देखने में बड़ा लगेगा आधे यहाँ हार जाओगे तुम बिना करे ट्राई करो फिर कितना आ रहा है जल्दी से कर लो भाई कोशिश गुड मॉर्निंग मेरे लाल

बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और एक सोलह सोलह का आधा आठ होता है बीच में आधा लिखा है सात दो नौ नौ चार तेरह तेरह तीन सोलह सोलह का आधा आठ होता है तो आठ और आठ सोलह सोलह का आधा आठ होता है आठ आएगा बीच में कितना आ जाएगा आठ क्लियर है सबको बीच में क्या चल रहा है साइड वाले नंबरों के जोड़ का योगफल का आधा साइड वाले नंबर के योगफल का जो आधा है वो बीच में लिख रहे हैं कुछ और नहीं कर रहे हैं हो जाएगा इतना काम जल्दी बताओ मेरे लाल सिर्फ साइड वाले नंबर को जोड़ रहे उसका आधा करके बीच में लिख दे रहे हैं कुछ और नहीं चल रहा है तो आंसर कितना बन जाएगा आपका आठ आठ वाले सारे ठीक है चलो इसका आंसर निकालो कितना आएगा सोलवे का करिए भाई ये क्वेश्चन खास अपनी तरफ से डिजाइंड है तो जो लोग रेगुलर रहे होंगे वो शायद कर लेंगे आराम से और जो लोग रेगुलर नहीं रहे होंगे जो क्लासेस में नहीं आए उनके होश उड़ जाएंगे इनके लॉजिक देख के क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए रखे गए हैं क्वेश्चन जल्दी मेरे लाल कितना आएगा इस प्रश्न का उत्तर रेगुलर वाले आराम से कर लोगे मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम बेइज्जती मत करा देना कि तुमसे भी ना हो फोर्टी थ्री तैतालीस ये इकतालीस वाले आधे क्या लिख रहे हैं है ना लेकिन चार का तो तो चलेगा तो। चर्चा समझ लेना थोड़ा सा, समझना चाहोगे तो ग्यारह से तेरह बन रहा है तुमको लग रहा है कि ग्यारह में दो जोड़ के तेरह बनेगा चलो ठीक है तेरह में चार जोड़ के सत्रह बनेगा बोले ये भी ठीक है सत्रह में आठ जोड़ के पच्चीस बनेगा ये भी ठीक है तो पच्चीस में कितना जोड़ दूँ जल्दी बताओ यहाँ दो यहाँ चार यहाँ आठ तो सोलह दुगना चल रहा हो तो और पच्चीस में अगर मैं सोलह जोड़ूंगा तो इकतालीस बनेगा इक्यावन कैसे ला लिया यार तुम लोग इक्यावन वालो कौन सी अंतरात्मा से पूछ रहे हो तुम कहाँ से आवाज आ रही है इक्यावन आंसर करते इकतालीस तक तो ठीक थी कहानी नी इक्यावन कैसे ले आए इकतालीस ऑप्शन में है ही नहीं तो इकतालीस तो आएगा ही नहीं अब लॉजिक क्या चल रहा है समझ लो कुछ नया लॉजिक है खासतौर तौर पर जितने भी नए वाले विद्यार्थी हैं वो लोग खासतौर पर समझ लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पुराने वालों को को आता है इस लॉजिक कैसे करना है जो है अभी तक नहीं देखा ग्यारह है तेरह में दोनों अंकों का दोनों अंकों का योगफल एक और सात आठ जोड़ा है तो पच्चीस में पच्चीस के दोनों अंकों का योगफल पांच और दो सात जोड़ेंगे बत्तीस आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है थर्टी टू बन रहा है वो सारे करेक्ट है क्लियर है मेरे लाल कुछ और नया आया दिमाग में कि अच्छा ऐसे भी होता है ठीक है तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे भी कर लेते हैं चले भाई आगे की तरफ बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से मेरे लाल बहुत जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से और बाकी में यार मजा आ रहा हो तो फिर तीन हजार लाइक पूरे कर लेना अगर ईमानदारी से दिल से मजा आ रहा हो करते हुए कि हाँ चलो कुछ तो मौज कर दी तो फिर तीन हजार लाइक पूरे कर लेना बस इतना चाह रहा हूँ मैं बत्तीस सौ लोग हैं तीन हज़ार लाइक तो हो जाने चाहिए थे अब तक वैसे मगर तुमसे कहना पड़ रहा है गुरु दक्षिणा के लिए भी जबकि अपने भारत में तो दक्षिणा का बहुत महत्व है तो दक्षिणा पूरी कर दो अपनी तरफ से इसको निकालो कितना आएगा चलिए कुछ लोगों का एक आ रहा है और मुझे उनसे उम्मीद थी कि एक करेंगे कुछ लोग एक कर रहे हैं मुझे उनसे भी उम्मीद थी कि एक करेंगे और कुछ लोग कहा है पता नहीं चल रहा मेरे को मतलब उनके इतने आंसर आ रहे है चर्चा कर ले ये भी क्वेश्चन एकदम धाकड़ वाला है कैसे समझो तुमको लग रहा है बारह का पहाड़ा चल रहा है बारह दूरी चौबीस बारह तीन छत्तीस बारह पन्नीसठ बारह अट्ठे छियानवे आगे क्या करें <coughs> किससे मल्टीप्लाई करें बारह दूनी चौबीस तक ठीक था बारह तीन छत्तीस तक ठीक था फिर सीधे बारह पंजे कर दिया साठ फिर सीधे बारह अट्ठे छियानवे कर दिया अब क्या करोगे तो यहाँ पे समझो कि हो गया रहा है मेरे लाल समझने की कोशिश करना कुछ नहीं कर रहे पीछे के दो नंबर को जोड़ के तीसरे नंबर छत्तीस और चौबीस को जोड़ा तो साठ फिर साठ और छत्तीस को जोड़ा तो छियानवे तो, तो अब छियानवे और साठ को जोड़ेंगे तो एक आंसर आएगा समझ में आ रहा है जल्दी पीछे के दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर ला रहे हैं मुझे पता है एक आध ऐसा बैठा होगा जिसको नहीं आएगा तो उसके लिए मैं जोड़ के भी दिखा देता हूँ बारह और चौबीस इन दोनों को आपस में जोड़ा है तो चार और दो छो और दो और एक तीन फिर जो चौबीस और छत्तीस है इन दोनों को आपस में जोड़ा है तो चौबीस और छत्तीस जब इनको आपस में जोड़ा तो साठ तो इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है कि पीछे के दो नंबर को ऐड करो और तीसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा हो जाएगा ये काम चलने आगे ठीक है तो आंसर कितना बनेगा वन फिफ्टी सिक्स आंसर बनेगा एक सौ छप्पन बिल्कुल सही है अभी चाय पियोगे एक क्वेश्चन और कर लो फिर पी लियो इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर बताएं ऐसे ऐसे लॉजिक आज तुमको करा दिए कि तुम्हारी सारी दिमाग की नशे खुल गई होंगी झंडू बम से ज्यादा समझ में आ रही है बम से तगड़ा काम कर रहे होंगे ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में हर प्रकार का लॉजिक तुम्हारे दिमाग में जा चुका होगा अब तक जो क्वेश्चन ना आए गलत आंसर मत करा करो स्किप लिख दिया करो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा काय को दिक्कत लेनी इतनी जमाना इसको थोड़ा ना दिखाना है कि हमको आता है या हम ये लिख देंगे हमको नहीं आता तो मतलब शेयर मार्केट में गिरावट आ जाएगी या अखबार की हेडलाइन आ जाएगी कि बाहुबली मतलब कल हम महिस्मती के सम्राट बनने वाले थे कि होने वाले सम्राट ने बोला मुझे क्वेश्चन नहीं आता न्यूज़ चैनल पर यही चलेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना तो नहीं आता तो नहीं आता काय को दिक्कत लेनी ए बी स्किप चर्चा कर ले कितना आएगा चलिए तो बात कर लेते हैं देख लेते हैं मुलाकात कर लेते हैं <coughs> काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दो सौ चवालीस वालो मेरे लाल कहां से आ रहे हो अब इस क्वेश्चन को लॉजिक बताऊंगा तुम सच में अपने माथे पे ऐसे हाथ मारो क्योंकि कहा कर रहे हैं जे हमसे जे क्यों नहीं हुआ सच बता रहे तुमको क्योंकि तो इतना आसान था और हमसे क्यों नहीं हुआ कुछ है ही नहीं इसमें लप्पू सा क्वेश्चन और झीमूर सा लॉजिक है उसके बाद तुम याद तो गलत कर रहे हो और गलत करने वालों से तो खासा फिर मतलब बात खराब हो रही है कुछ ना करा मेरे लाल तीन की घात दो माइनस एक आठ होता है, बोले है गुरु जी मान लिया। फिर यहाँ पे क्या कर रखा है आठ होगा नहीं, हो हो नहीं यहां से चलेगा ये चार की घात दो माइनस एक पंद्रह फिर ये बनेगा तुम्हारा पांच की घात तीन माइनस एक एक सौ चौबीस फिर ये चलेगा तुम्हारा यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बनेगा तुम्हारा छे की घात दो माइनस एक पैंतीस तो अब आएगा सात की घात तीन माइनस एक तो ये बनेगा तुम्हारा तीन सौ बयालीस क्लियर है ये करेक्ट आंसर है इसको हटा लेना और लॉजिक समझ लेना मेन है लॉजिक लॉजिक जो है वो ये कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं खाली कि एक ना एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा स्क्वायर और क्यूब पर वेस्ड आएगा एक ना एक जो क्वेश्चन होगा वो स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड आएगा ही आएगा उस चीज को लेकर बस दिमाग रख लेना खाली ठीक है एक बार स्क्वायर करके माइनस तो क्यूब करके माइनस मतलब स्क्वायर और क्यूब अगर दिमाग में है 124 देखा करो तो 125 को याद कर लिया करो 15 देखा करो 16 याद कर करो, को याद कर लिया करो तिरसठ देखा करो चौसठ को याद कर लिया करो तीन सौ बयालीस देखो तीन सौ तैतालीस को याद कर लिया करो छत्तीस देख रहे हो पैंतीस देख रहे हो मतलब हर एक नंबर के आसपास के स्क्वायर या क्यूब है ये जरूर याद कर लिया करो थोड़े थोड़े से क्लियर है भाई चले पलटन आगे तो ये बताओ अभी तक की क्लास कैसी रही है तुम्हारी फिर आगे की कहानी को मैं कंटिन्यू करूं अभी बहुत कुछ है करने को बहुत कुछ है करने को सिटिंग अरेंजमेंट है स्लॉगिज्म है पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग है मिसिंग नंबर है मतलब सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन है अर्थमेटिकल रीजनिंग है बहुत कुछ है करने को अभी तो बहुत फिगर काउंटिंग है ब्लड रिलेशन है डायरेक्शन है तो है काफ़ी कुछ अभी तक कैसा रहा है मज़ेदार रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है तो कंप्लीट करनी है मैराथन की नहीं करनी है पहले मेरे को ये बताओ या इतना ही रखना है जल्दी से पहले तो इतना बताओ कंप्लीट करनी है मैराथन थन हाँ या ना क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलना अगर करनी है मेरे को पढ़ाना तुमको ही है तो पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ना है तो मैं क्लास छः बजे भी खत्म कर सकता हूँ जो मेरा टाइम है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना चलो तो बढ़िया है तो फिर आगे चलते हैं कमेंट आ तो रहे हैं क्या परेशान ठीक है तो आगे चल रहे हैं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन एक बार ईमानदारी से एक चीज़ और बता दो फिर हम आगे चल लेंगे कि कौन कौन है जिसकी तरफ से गुरु दक्षिणा आ गई है ईमानदारी से बता दो क्योंकि अभी कितने लोग बचे एक हजार लोग ऐसे जिनकी तरफ से नहीं आई है नाम चलो छोड़ो एक हज़ार लोग मुझे दिख रहे हैं तो एक बार बता दो किस किस की कि तरफ से गुरुदक्षा आ गई आ गई तुम्हारी तरफ से चलो बेहतर है ठीक है चलिएगा बेहतर है बेहतर है बेहतर है बहुत शानदार चल लेने चलो तो उन्नीसवें क्वेश्चन पर चलते हैं इससे स्लॉगिज्म को देखते हैं स्लॉग के क्वेश्चन देखो करो भाई कितना आएगा जल्दी से निकालो भाई कितना आएगा काफी सारे ओके लीजा ओके 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 अंकिता किशन सनी अंकित इसका आंसर निकालो कितना आएगा का प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है कल ही आ गई थी आप लोगों की तरफ से चलिए इतना भरोसा है आपको मुझ पर अच्छा ही पढ़ने को मिलेगा एक काम करना जैसे आज अपन लोग आज वाली क्लास कर रहे हैं तो आज वाली क्लास के अंदर अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है इनको आराम से देखो इनसे आराम से सीखो चीजों को उसके बाद कुछ डाउट रह जाए तो उनको ना कमेंट में कमेंट करना कल मैं एक और मैराथन ले रहा हूं नौ से बारह तो जो जो तुम टॉपिक लिखोगे उसके क्वेश्चन मैं कल फिर दोबारा करा दूंगा तो परेशान मत होना कल मैं दोबारा करा दूंगा उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्लॉक के अंदर कंडीशन आती है सबको की नहीं आती पहले हमको ये बताओ ईमानदारी से कौन कौन ऐसा है कि जिसको इसका बेसिक नहीं आता अगर कोई भी चैप्टर ऐसा है जिसका आपने आज तक बेसिक देखा ही नहीं है तो वो चैप्टर आपको दिक्कत देगा दे देगा ही हमेशा याद रखना जीवन के अंदर किसी भी विषय के अंदर अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसका तुम सीधे प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है चार क्वेश्चन हो जाए दिक्कत दिक्कत दे वो वो चैप्टर तुमको देगा ही देगा तो अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक चै... किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ा है तो एक काम कर लेना मेरे लाल थोड़ा जैसे मान लो स्लॉग का तुमको बेसिक नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च वाले ऑप्शन आता है ऊपर लाइन पे सर्च कर लेना डालना ऐसे करके स्लोगिज्म बाई साहिल तिवारी मैंने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है दो तीन घंटे तो एक काम करना तुम दो तीन घंटे मत देखना वो तुम्हारे काम का उतना नहीं होगा तुम स्टार्टिंग का आधा घंटा देख लेना शुरू का आधा घंटा देख लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस तो यहाँ पे हो जाएगी ठीक है तो ये काम हो जाएगा आज इतना सा जिसको नहीं आता है वो कर लेना अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा अब करना क्या है इस पर अगर हम बात करें पहला कह रहा है सम ट्रेन आर प्लेन तो ये सम का हिस्सा होता है ये होता है ट्रेन ये हो गया मान लो टी फॉर ट्रेन कह रहा है कुछ ट्रेन प्लेन है तो कुछ हिस्सा इसका प्लेन में जाएगा तो ये हो गया प्लेन इसका कुछ हिस्सा आ गया ये कुछ हिस्सा आ गया, गया प्लेन के अंदर आगे कह रहा है ऑल प्लेन आर ट्रक सारे के है ट्रक तो सारे प्लेन क्या ट्रक है सारे प्लेन ट्रक के अंदर चले जाएंगे ये सारे प्लेन आ गए ट्रक के अंदर ये हो गया पीला वाला गोला हो गया ट्रक का ये ट्रक हो गया इसके बाद में आगे क्या दे रखे आगे दे ऑल ट्रक आर हेलीकॉप्टर सारे ट्रक हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे तो सारे के सारे ट्रक आ गए हेलीकॉप्टर के अंदर ये व्हाइट वाला सर्कल हो गया हेलीकॉप्टर का तो पहले डायग्राम बताओ समझ में आ गया अब जिसको डायग्राम बनाना नहीं आता होगा उसका आंसर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा और आता होगा तो आ जाएगा ये बन जाएगा आपका अगर हम बात करें तो डायग्राम कैलेंडर नहीं आता तो परेशान मत हो पेपर में भी नहीं आएगा ठीक है उसको लेकर परेशान मत हो जो पेपर में नहीं आ रहा उसको लेकर परेशान मत हो यह बन गया अब पहला आपसे कह रहा है सम ट्रेन आर हेलीकॉप्टर कुछ ट्रेन ऐसी है जो हेलीकॉप्टर है बिल्कुल ये नीला वाला गोला ट्रेन का ये ट्रेन है तो इसका कुछ हिस्सा हेलीकॉप्टर में गया है बिल्कुल गया है सर ये वाला हिस्सा तो हेलीकॉप्टर में भी है ट्रक में भी है प्लेन में भी है तो ठीक है दूसरा रहा है, ट्रकार ट्रेन, कुछ ट्रक, ट्रेन है, ट्रक का हिस्सा भी तो ट्रेन में दोनों, दोनों अनुसरण करते हैं तो जितने लोगों का आंसर बोथ आ रहा होगा वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है बोथ वाले सारे करेक्ट है चले दोस्त आगे आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता हैं प्रश्न संख्या बीस का आंसर निकालो जल्दी से कहते हैं फास्ट करो भाई कितना आ रहा है जल्दी से मेरे लाल चले चर्चा कर ले कितना आएगा दोनों सही फिर से टाइम और स्पीड अपने आप आ जाएगी दोस्त उसके लिए परेशान नहीं होना होता गुजरात से चाय मेरे लिए चलो बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात की धरती को प्रणाम इसका आंसर बताओ कितना आएगा नो बेड इज आज चेयर कोई भी बेड चेयर नहीं पहला कह रहा है तो अपन ने क्या किया कि ये बेड बना दिया कोई भी बेड जो है वो चेयर नहीं है तो अपन क्या करते हैं इसको चेयर बना लेते हैं इनका आपस में ना तुम मेरे घर में तय हो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा ये दोनों आपस में ये कह रहे हैं फिर कह रहा है ऑल टेबल आर बेड सारे के सारे टेबल किस में चले गए बेड में चले गए तो सारे के सारे टेबल मैंने रख दिए ये मान लो T फॉर टेबल इसी के अंदर आएंगे बेड के अंदर डायग्राम सही से बने फिर लिखा है नो कबबोर्ड इज अ बेड कोई भी कबबोर्ड भी बेड नहीं है तो ये हो गया मान लो कबबोर्ड इससे भी इसका कोई रिश्ता नहीं है तो डायग्राम क्लियर है दो ना का रिश्ता एक हाँ का रिश्ता अब पहला कह रहा है नो टेबल इज अ चेयर कोई भी टेबल चेयर नहीं है बिल्कुल सही बात है टेबल खुद इसके अंदर है और इसके इससे रिश्ता ही नहीं जब इसका ही इससे कोई रिश्ता नहीं है तो इसके अंदर रहने वाले ये भी तो एट द एंड आपका किस में आएगा बेड में आएगा ये सब बेड है तो टेबल खुद बेड है तो टेबल का भी रिश्ता चेयर से नहीं बनेगा बिल्कुल सही बात है सेकंड कह रहा है नो कपबोर्ड इज अ टेबल कोई भी कपबोर्ड टेबल नहीं है बिल्कुल कपबोर्ड का रिश्ता अगर बेड से ही नहीं है तो बेड के अंदर वाले से भी नहीं होगा तो ये भी सही है तीसरा कह रहा है सम बेड आर टेबल कुछ बेड टेबल है बिल्कुल सही बात है ये बेड है सारा कुछ बेड है ये सब बेड है इसका कुछ हिस्सा टेबल में गया बिल्कुल गया तो कुछ बेड किस में चले गए टेबल में चले गए तो तीसरा वाला भी क्या हो गया सही हो गया ऑल फॉलो आ रहे हैं हाँ या ना जल्दी बताओ ऑल फॉलोर्स सारे के सारे अनुसरण करते हैं कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी चले आगे इक्कीसवीं का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से जल्दी 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 इसका आंसर बताओ और देखो अभी आज मैं आपको जो क्लास करा रहा हूँ इसके बाद फिर मेरी क्लास इस वीक में नहीं होगी सुबह पाँच बजे मैं आपको बता दूँ कल भी मेरी क्लास नहीं है सुबह पाँच बजे परसों भी नहीं है सुबह पाँच बजे आगे भी नहीं है सुबह पाँच बजे तो आज ही मेरी क्लास है सुबह पाँच बजे अब इस वीक में नहीं होगी फिर मंडे से होगी क्लियर है फिर मंडे से होगी तो उससे इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसका आंसर निकालो कितना आएगा क्योंकि अब आपकी पाँच से आठ डेली मैराथन चला करेगी किसी ना किसी विषय की जैसे आज रीजनिंग की चल रही है है ना आ, कल की मैं बात करूँ तो मान लो आपकी मैथ की चल रही है फिर आपकी हिंदी चल रही है फिर आपकी जी के जी चल रही है तो एक एक करके हर एक विषय की क्या चलेगी आपकी मैराथन चलेगी पाँच से आठ में चलिए इस पर चर्चा कर ले कितना आएगा यहाँ देख रखा है ऑल एप्पल आर ऑरेंज ठीक है सारे एप्पल ऑरेंज है ये एप्पल हो गए सारे एप्पल किस में चले गए ऑरेंज में चले गए ये ऑरेंज हो गए आगे दे रखा है ऑल ऑरेंज आर बनाना सारे के सारे ऑरेंज किस में चले गए बनाना में चले गए ठीक है

देखो बाकी अगर किसी को भी तुम में से टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो बेहतर है अगर नहीं लगा रहा हो तो टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हो बहुत सिंपल है वाई टू सेवन फोर ये सबको याद होगा इसमें एस और लगा लेना और इसको लगा के तुम तुम्हारे घर परिवार रिश्तेदार दोस्त नियो में किसी को भी टेस्ट सीरीज लेनी है ले सकते हो सत्तर रुपए के आसपास में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसका आंसर निकालो बाईस का कितना आएगा जल्दी से ट्राई करिए भी बल्टन कितना आ रहा है ओनली फर्स्ट चलिएगा देख लें कितना आएगा ओनली फर्स्ट वाले काफी आ रहे हैं अगेन ऑल ड्रीमर्स आर शर्ट सारे के सॉरी ऑल ड्रेसेज आर शर्ट ओके ये ड्रेसेज हो गए सारे ड्रेसेस किस में चले जाएंगे शर्ट्स में चले जाएंगे ये शर्ट हो गए फिर दे रखा है ऑल शर्ट आर क्लॉथ सारे के सारे शर्ट किस में चले जाएंगे क्लॉथ में चले जाएंगे ये हो गए क्लॉथ पहला कह रहा है सम क्लॉथ आर ड्रेस हाँ बिल्कुल ठीक है ये सारा कुछ क्लॉथ है हरे वाले गोले का सब कुछ क्लॉथ है तो इसका कुछ हिस्सा ड्रेस में गया जल्दी से बताओ देख के हाँ या ना कुछ हिस्सा ड्रेस में गया कुछ हिस्सा नीले गोले में गया ये सब हरा वाला गोला क्या है क्लॉथ है तो इसका कुछ हिस्सा इस नीले गोले में गया है बिल्कुल गया है जब गया है तो मतलब कुछ हिस्सा ड्रेस में आया है दूसरा कह रहा है ऑल शर्ट आर ड्रेस सारी की सारी शर्ट ड्रेस है शर्ट कौन सा है पीला वाला गोला ये पीला वाला गोला आपका शर्ट का है तो क्या इसका कुछ हिस्सा शर्ट अ, इसके क्लॉथ के अंदर गया अगर हम बात कर रहे हैं सारी की सारी शर्ट जो है क्लॉथ के अंदर रखी है बिल्कुल रखी है क्लॉथ कौन सा है क्लॉथ ही है तो पूरी की पूरी शर्ट इसी के अंदर तो आ रही है इस हरे गोले के अंदर ही है बाहर तो है नहीं तो ये भी सही है तो आंसर कितना आ जाएगा बोथ फॉलो दोनों के दोनों अनुसरण करते क्लियर है।, है सबको बोथ आंसर आ रहा होगा इसका भी चल सकते हैं आगे ओनली फर्स्ट आ रहा है सेकंड नहीं आ रहा क्यों ऑल शर्ट आर ड्रेस अच्छा ऑल शर्ट आर ड्रेस दे रखा है मैंने कहा क्लॉथ दे रखा है ठीक है नहीं होगा दूसरा दूसरा नहीं होगा ड्रेस दे रखा है ऑल शर्ट आर ड्रेस तो गलत है ड्रेस नीला वाला गोला है और शर्ट पीला गोला है तो बिल्कुल सही है कि जो शर्ट है वो बाहर भी है ये वाला हिस्सा इसके ड्रेस के अंदर नहीं है ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ड्रेस से बाहर है तो सारी की सारी शर्ट जो है वो ड्रेस में नहीं है ठीक है ओनली फर्स्ट ही आएगा ओनली फर्स्ट चले आगे ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर चले दोस्त तेईसवे का आंसर निकालोगे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी 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 जल्द, 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 लाल नहीं डायग्राम सही बनाया है वो गलत था जो मैंने बताया था स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया था कंक्लूजन डायग्राम में कोई गलती ना है इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से अब सब तुम्हारे हाथ में चांस क्योंकि अब तुम्हें देखने को मिलेगा जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना आएगा डी देख लें अच्छा चीता शेर अच्छा अब पता है कई सारे से लोगों का सी आंसर आ रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि चलो सी आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं डी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चीता के साथ तो अपनी जान पहचान है है ना कई बार दोस्त लोग कह देते हैं कि तू चीता है है ना बकरी तो लड़कियां बात कर रही होंगी इसमें कि चलो नहीं बकरी तो नहीं कहती होंगी खैर एक दूसरे को है ना लेकिन जान पहचान होगी अच्छा कछुआ बहुत कहानियाँ सुनी है ये कुछ नया आया ये ऐसा लग रहा है कि बाहर से आया है है ना आ, कुछ बाहर का है फॉरनर है ऐसा लग रहा है आईपीएल की टीम में तीन देश के खिलाड़ी हैं एक बाहर का खिलाड़ी है तो चर्चा कर ले कौन सा अलग होगा देख लेते हैं समझ लेते हैं मुलाकात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं देखो चीता सबने देखा तुमने कुछ इस प्रकार का होता है नीचे वाला नहीं ऊपर वाला है ठीक है चीता कुछ इस प्रकार का होता है तुमको आज मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ साथ में तो ये चीता जो तुम सब देखे हो सब जानते हो एक नॉर्मल क्रिएचर है ठीक है ये है बकरियाँ ठीक है जो तुम सबने देखे होंगे बड़े आराम से ये सब किस में आते हैं ये बकरियों में आती हैं वहीं अगर हम बात करें ये भाई साहब है कछुआ है ना इनका अलग भोकाल चलता है तो ये तीनों तुम लोगों ने देखे नॉर्मल क्रिएचर होते हैं लेकिन जब सेंटर की बात करते हैं तो वो नॉर्मल क्रिएचर नहीं है वो कौन से क्रिएचर को बोलते हैं एक ऐसा क्रिएचर जिसका आधा हिस्सा इंसान का हो और आधा हिस्सा जानवर का हो जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये है समझ रहे हो ये आधा इंसान है और आधा घोड़े का शरीर है तो ये एक इमेजनरी क्रिएचर में आते हैं

कल पांच से ही आठ चलेगी मैथ की क्लास परसों पांच से आठ चलेगी मान लो हिंदी की क्लास सैटरडे को पांच से आठ चलेगी आपकी जी के जी एस की क्लास पवन सर की क्लास तो एक ही क्लास चला करेगी आज जैसे ना मैथ की क्लास होगी ना पवन सर की क्लास होगी कल जैसे मेरी क्लास नहीं होगी कल पवन सर की क्लास नहीं होगी परसों मेरी क्लास नहीं होगी ना पवन सर की होगी ना मैथ की क्लास होगी तो एक दिन एक क्लास चला करेगी तीन घंटे ठीक है कंप्लीट आपका रिविजन के लिए चले आगे इसका आंसर निकालोगे जल्दी से चौबीसवे का निकाल लो भाई कितना आ रहा है चौबीसवें प्रश्न का उत्तर जल्दी 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 इस प्रश्न का आंसर निकालो एक बजे वाली का भी यही रहेगा दोस्त नौ से बारह चलेगी आज नहीं है मेरी एक बजे वाली क्लास कल है नौ से बारह में है नौ से बारह ठीक है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई चर्चा कर ले कितना आएगा देखो आ, ये तो सबको पता होगा बाढ़ देखी मतलब आ, जानते तो हो गई है ना और अगर ना हो तो फिर जब थोड़ी बहुत बारिश हो मान लो एक दो घंटे की बारिश हो जाए कभी एक घंटे बारिश हो जाए तो गुड़गांव के बारे में जानना तो ऐसे पानी ऐसी बाढ़ आ जाती है वहाँ पे ठीक है एक घंटे की बारिश में तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये होती है है बाढ़ पे पानी पानी हो जाता एक प्राकृतिक आपदा है वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तूफान तूफान भी एक क्या है ये भी एक प्राकृतिक आपदा है तूफान भी क्या है आपका एक प्राकृतिक आपदा है वहीं अगर हम बात करते हैं कोई भी वैसी चीज है आपका ये आ, से वगैरह ये भी आपका प्राकृतिक में आता है ये सब प्राकृतिक आप भूकंप वगैरह ये सब क्या है ये प्राकृतिक आपदा में ही आता है सारे के सारे प्राकृतिक आपदा है लेकिन कहीं विस्फोट कर देना ये प्राकृतिक आपदा थोड़ा ना ये पाकिस्तानी आपदा है मतलब चलो छोड़ो ये सब बात नहीं करते है ना एक्सप्लोजन जो है वो प्राकृतिक नहीं है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ई डिफरेंट हो जाएगा फिफ्थ वाले सारे के सारे करेक्ट होंगे चले आगे इसको निकालो पच्चीस को कितना आएगा जल्दी से पच्चीस का आंसर बताओ कितना आ रहा है पच्चीसवे का आंसर कितना होगा इस प्रश्न का आंसर डॉक्टर मरीज दुकानदार ग्राहक शिक्षक छात्र पेंटर और तू कितना बनेगा इस प्रश्न का उत्तर पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट डाउट है है बताओ जो वो दूर करते हैं दोस्त बिल्कुल आप बताएं क्या डाउट है इसका आंसर विस्फोट था विस्फोट एक्सप्लोजन विस्फोट जो है वो आपका नेचुरल नहीं है प्राकृतिक आपदा थोड़ी ना कभी वैसे कि विस्फोट हो गया आज नेचर की तरफ से

ग्राहक और दुकानदार होते हैं अभी आपस में डील करता है ये ग्राहक जो होता है वो दु दुकानदार जो होता है ग्राहक के साथ डील करता है ग्राहक को चीज समझाता है सिमिलर अगर मैं बात करूँ टीचर टीचर जो है वो क्या करता है टीचर स्टूडेंट के साथ में डील करता है ठीक है टीचर क्या करता है स्टूडेंट के साथ में डील करता है ये उन बच्चों के लिए है वैसे ये वाला जो फोटो है वो खास तौर पे जो अभी आएंगे और आकर पूछेंगे कि अब सर दस दिन बचे हैं क्या मैं पास पेपर पास कर सकता हूँ तो खास तौर पे उन उन लोगों के लिए ठीक है थीके? चलो आगे बात कर लेते हैं आगे ये अगर हम बात करें तो ये पेंटर जो होते, वो ब्रश को डील नहीं करता ब्रश को डील नहीं करता ठीक है।, है, है तो आंसर कितना ऑप्शन नंबर डू ठीक है तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है ठीक है फोर्थ वन इज द राइट आंसर चले भाई आगे इसका आंसर बताओ छब्बीसवे का कितना आएगा जल्दी से छब्बीस में का आंसर कितना आ रहा है जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा कैलेंडर नहीं है क्या एग्जाम में कैलेंडर आता ही नहीं एग्जाम में पेपर पिछले 2018-17 के बाद से कैलेंडर नहीं है ठीक है तो कैलेंडर पे कैलेंडर का भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे बट टाइम खराब मत करो कि कैलेंडर पढ़ रहे हो जो पढ़ने वाली चीज है वो पढ़ ही नहीं रहे हो सेटिंग अरेंजमेंट दो से तीन क्वेश्चन आएंगे पढ़ो पढ़ने वाली चीज है स्लॉग दो से तीन क्वेश्चन आएंगे पढ़ो कोडिंग निकॉर्डिंग तीन क्वेश्चन आ रहे हैं पढ़ो ये पढ़ने वाली चीजें हैं एनोलॉगी पढ़ो वन आउट पढ़ो फिगर कंप्लीट करना पढ़ो इनको पढ़ो ना जो आएगा पेपर में कैलेंडर पे टाइम निकाल रहे हो जो आएगा ही नहीं उसको थोड़ा सा देख लो बस ऑप्शन डी बिल्कुल देख सकते हैं यूपी पुलिस के लिए नुकसान थोड़ा दे होम्योपैथिक की दवाई है देखो ये पहला वाला तीन पे होता है ये दस पे होता है ये चार पे होता है ग्यारह पे होता है ये पांच पे होता है बारह पे होता है ये सात पे होता है तेरह पे होता है कितने का अंतर आ रहा है यहां सात का अंतर आ रहा है यहाँ सात का अंतर आ रहा है सात का आ यहां का अंतर अंतर आ आ रहा रहा है है छह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहले और आखिरी लेटर की प्लेस वैल्यू लिख के डिफरेंस निकाल लेते हैं कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से सत्ताईस आंसर ओके सर चलिए बहुत बढ़िया इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों बताओ सिटिंग में अब समस्या नहीं होती बहुत अच्छी बात है कई मेरे को याद है कि पहले जब शुरुआत मैंने करी थी पढ़ाने की तो मेरे से बोलते थे कि सर सिटिंग तो नहीं होता और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत लोग क्लास छोड़ देते थे लेकिन वो लोग रुके रहते थे सुनते रहते थे तो आज उस फेज पे हो गए की सिटिंग में दिक्कत नहीं आती होगी आज सेलॉग में दिक्कत नहीं है जो दिक्कत वाले चैप्टर थे वो तुमने दूर कर ली क्योंकि तुमको लगा कि तुमको नहीं आता तुम्हें सीखने हैं तो तुम सीख गए अगर मैदान छोड़ोगे तो नहीं सीखोगे करना पड़ेगा देखो बी जो होता है दो पे होता है डी चार पे होता है सी तीन पे होता है आई नौ पे होता है ई पांच पे होता है एन चौदह पे होता है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डी चार पे होता है पी सोलह होता है पहले वाले का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर इसमें नहीं है तो सी आंसर हो जाएगा थर्ड वाले सारे डिफरेंट है क्लियर है सबको तो सी वाले जितने आ रहे हैं थर्ड वाले जितने आ रहे हैं सारे के सारे बिल्कुल सही कहला रहे हैं सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा चले मेरे लाल आगे अट्ठाईसवीं का आंसर निकालोगे जल्दी से छब्बीस एक बार फिर से बता दो चलो अभी बता देते हैं छब्बीस में इसको कर लो जल्दी कितना आएगा तुम लोगों के अभी तीन हजार लाइक पूरे नहीं हुए यार सो रह गए तो जरा जल्दी जल्दी कर दो जिस जिसको करना है अपने फोन पे जल्दी से अपने अंगूठे का प्रयोग करके गुणदर्शन कंप्लीट कर लो एक लव की तरह अंगूठा काटना नहीं है तुमको सिर्फ अंगूठे से लाइक करना है और लाइक करके मेरे को बता दो कि कर दिया तो सौ कंप्लीट होने को रहेंगे सौ कंप्लीट कर लो जरा देखो इसमें क्या बनेगा ये सारे के सारे भैया चवालीस माइनस पंद्रह करोगे ग्यारह ग्यारह से एक सौ इक्कीस को भाग करोगे ग्यारह ग्यारह प्लस एक करोगे बारह और यहाँ पे अगर ग्यारह गुणा एक करोगे तो ग्यारह तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाकी सबका उत्तर ग्यारह आ रहा है सी का उत्तर बारह आ रहा है तो सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक ठीक है इस है थर्ड वन इज द राइट आंसर एक बार मैं छब्बीस को बता दू मुझे लगता है कि ये शायद नए बच्चे होंगे जिसको डाउट आया है देखो वैसे इसका बेसिक तरीका ये होता है कि सी को तीन लिखो एफ को छे लिखो जे को दस लिखो फिर सी में यहाँ पे डी को चार लिखो जी को सात लिखो के को ग्यारह लिखो फिर सेम यहाँ पे ई e को पांच एच को आठ और एल को बारह लिखो फिर यहाँ पे सेम सात ये दस और ये

ये सात ये तेरह कितने का अंतर आ रहा है छह का अंतर आ रहा है तो बाकी सब में सात का अंतर है इसमें छह का अंतर है इसलिए ये आंसर है ठीक है तो दोनों तरीके मैंने बता दिए जिससे चाहो उससे कर लेना चले आगे उनतीस में पे इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से कोई बात नहीं शुक्रिया इसको करो आराम से निकाली हुई कितना आ रहा है बहुत बढ़िया साहिल बहुत बढ़िया मेरे लाल जल्दी से निकालो कितना आएगा सिलेक्शन फेज ट्वेल्व की तैयारी मैंने बोला है ना दोस्त बीस तारीख के बाद तो बीस तारीख तक का अभी चाहूँ तो ये कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नुकसान नहीं देगा सब वही है ठीक है कुछ नहीं करना है लाल बस प्रैक्टिस करते चलो कुछ और करना ही नहीं है अपने आप हो जाएगा पेपर वाला तुमको पता ही नहीं चलेगा अगर रोज पढ़ रहे हो तो एक दिन दो दिन में नहीं तुम सोचो एक दिन में पचास क्वेश्चन लगाऊँ ना कोई काम नहीं है एक दिन में दो लगाओ एक लगाओ लेकिन डेली लगाओ वो ज्यादा फायदा देगा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें मेजर का रिलेशन बटालियन से दे रखा है ये पिक्चर देखी होगी बहुत बार है ना बॉर्डर सनी देवल को भी देखा होगा पता किसका रोल किया था इन्होंने आधा नहीं पता होगा को चलो छोड़ो तो मेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं अपनी पूरी की पूरी बटालियन को लीड करते हैं तो वैसे ही कर्नल किसको लीड करते हैं कर्नल जो होते हैं वो अपनी पूरी पूरी की पुरी रेजिमेंट को लीड करने का काम करते हैं कर्नल का क्या का काम होता है अपनी रेजिमेंट को लीड करने का, का काम होता है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकेंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है बी इज द राइट आंसर क्लियर है सबको चले आगे या ना इसका आंसर निकालो कितना आएगा तीस का तीसवे प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है दोस्त जल्दी से किंग महल एस्कुमो बताओ भाई कितना आएगा दोस्त इसको एक बार समझा दूं अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है ये तो अंशुल चलिए देख लेते हैं क्या आएगा है ना देखो किंग जो होते हैं पैलेस मतलब महल देखे हो किंग कहाँ रहते हैं महल में रहते हैं तो किंग कहाँ रहते हैं किंग जहाँ रह रहे हैं उस जगह को महल कहते हैं वो जगह क्या कहलाती है वो, क्या 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 वो प्लेस कहलाती है आपकी महल है ना सिमिलरली अगर हम बात करें एस्किमो एस्किमो किसको बोलते हैं और ये कहाँ रहते हैं तो ये है एस्किमो ये कहाँ रहते हैं आपका इस फीस के अंदर इसको क्या बोलते हैं इस जगह को इस जगह को बोलते हैं इग्लू ये कैसे बनाया जाता है ऐसा बनता है इग्लू देख पा रहे हो ये बर्फ के टुकड़े और इन सब से बनता है एक इग्लू और इस इग्लू के अंदर कौन रहता है इस इग्लू के अंदर रहते हैं आपके एस्किमो अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से तैयार किया जाता है पूरा का पूरा और इसके अंदर ये लोग रहते हैं इस प्रकार से घर बना के रहा करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्किमो कहा रहते हैं आपके इग्लू में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्लियर है सबको फोर्थ वाले सारे ठीक है तो डी इज द राइट आंसर फोर्थ वन बिल्कुल सही आंसर होगा चले दोस्त आगे समझ में आ गया दोनों चलिए तो आगे बात कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं इकतीस पे इसका आंसर बताओ कितना चल दीजिए बताए इस प्रश्न का उत्तर कितना है मैं इस चक्कर में ये सब फिगर लेकर आया हूं ताकि तुमको ये समझ में आ जाए इग्लू क्या है एंड ऑल वरना तुम अभी आधे पूछते मुझसे इग्लू होता क्या है सर किसको कहते हैं इग्लू आदो के दिमाग में यही चल रहा होता तो कम से कम मैंने तुमको दिखाया है ताकि तुमको ये क्लियर रहे अच्छा इग्लू इसको बोलते हैं तो आप भूलोगे नहीं कभी कि इग्लू किसको कहते हैं इसका आंसर कितना आ गया सबका आ गया वार्डन होगा या फिर हम बात करें तो जेलर होगा हम जेलर जरा दूजे किस्म के ऑप्शन नंबर सी डी मैनेजर क्या बात है अच्छा कई लोग बता रहे हैं हमको कि झील का जो प्रबंधक होता है वो मैनेजर कहलाता है हम एमबीए करके लगता होगा वो तो है ना इंटरव्यू चलते होंगे उसके वैकेंसी आ गई होंगी मैनेजर की देखो चर्चा करें अगर हम बात करें क्या होगा संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर संग्रहालय का क्यूरेटर मतलब क्या होता है क्यूरेटर जो होता है जो संग्रहालय की देखभाल करता है वो कहलाता है संग्रा अध्यक्ष संग्राह्य अध्यक्ष मतलब जो संग्रहालय की देखभाल कर रहा है एक तरह से उसका अध्यक्ष है वो तो सेम अगर हम जेल की बात करें जेलर की बात करें तो जेल जो होती है तो जेल का जो एक तरह से आपका पूरा का पूरा मालिक होता है वो कौन होता है जो कंट्रोल करता है वो जेलर होता है तो जेल का कौन हो जाएगा जेलर हो जाएगा ठीक है तो जेलर इज द राइट आंसर तो करेक्ट आंसर कितना ऑप्शन नंबर सी चले दोस्त आगे थर्ड वाले सारे ठीक है बाकी ये देखो जीएस की बुक मंगा सकते हो आप पीएम पॉकेट बुक पवन सर की और ये बेस्ट बुक है जीएस के पॉइंट से मैं कह सकता हूं। क्योंकि इसमें हर एक चीज शॉर्ट टिक के साथ आपको याद करवाई गई है किताब है खरीदते हो तो ये लगाते हो इसी में एस फॉर साहिल सर और एड कर दो वाई दो एस लगाओगे तो ये आपको नब्बे के आसपास में आपके घर पहुंच जाएगी बाकी आओ बत्तीसवें का आंसर निकालो कितना जल्दी से निकालिए भाई इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है दोस्त ट्राई करो कितना आएगा यह करके दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर बताए कितना आएगा ऑर्डर की थी अभी नहीं ऑर्डर की थी दोस्ती बता दो मेरे को आवाज पूरा तेज ना है तो पूरा तेज कर लो फोन से स्पीकर कनेक्ट कर लो फोन से तुम कहा चाह रहे आज थोड़ी सी कितना आएगा ज्यादा से ज़्यादा तेज लो कर लगे फिर तो वे जो पहले आते चैन चाइना वाले मोबाइल उनमें यहाँ गाने बजाओ तो चार रन में आवाज़ जाती कि अच्छा उनके घर गाना चल रहा हे है ना तो बेबारी मोबाइल में लगाने पड़ेगी फिर तई आ, आ भाई आवाज़ वरना तो ऐसी आप आबाई जा में या भाई सुराई लगी रहती है भाई लंबी वाली ऐसे करके जो देखे कि पीछे पहले आ, उसमें कीर्तन वगैरह में लगाई जाती है मंदिरन पे है ना और बाकी मस्जिदन के ऊपर लगी रहती है तो बेवारी सुराई ला रख लो तो उन्हें कनेक्ट कर लो मोबाइल से तो वहाँ में से बहुत तेज़ आवाज़ आ गई जाए कर सकता और कुछ तो है ना को के पास जहाँ पर बात कर ले तो आरोप है देखो लाल जो दे रखो है और तो में दो दो जोड़े ते और पंदरा बट, पंदरा तो और बट हई है ना जब पंद्रह तो करोगे पंद्रह लगाइए ना सकत अब देखो क्या करने दूसरा लॉजिक समझ लो जे दोनों के दोनों कहाँ प्राइम नंबर है प्राइम नंबर जानते हो एक दो नहीं ना जानतोगे है ना क्योंकि अगर सब कुछ जानोगे तो कैसे काम चले जो वैसे चौथी क्लास में पढ़ाते हैं जाए बोलते हैं अभाज्य संख्या

प्रश्न संख्या तेतीस का आंसर निकालें कितना आएगा जल्दी 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 मेरे लाल अच्छा डिजिट सम कर सकते हो हाँ वो भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए इस पर चर्चा कर ले कितना आ रहे चले बात कर ले रहे देखो कुछ नहीं लिखा ये है ये छह का स्क्वायर ये सात का स्क्वायर और ये नौ पीछे तो से ये का आप चल रहा है, 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 है लेके एक तक ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाले सारे करेक्ट आ रहे चलो चौतीसवे का आंसर निकालो जल्दी से कितना आएगा प्रश्न संख्या चौतीसवे का आंसर बताए कितना आएगा मेरे लाल जल्दी 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 उन्नीस भी तो है तेरह के बाद हुए उन्नीस होता है प्राइम नंबर पहले सत्रह आता है उसके बाद उन्नीस आता है मेरे लाल। बातें कर देते हो तुम कभी कभी। एकदम। इसको निकालो कितना आएगा? इसका आंसर चर्चा कर लें देख लें देखो मेरे लाल एसिड लिखा है ए सी आई और डी इसका एक रिश्ता दे रखा है किसके साथ ई जी एम और एच के साथ तो बी ए एस और ई e, इसका रिश्ता हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे ए वन पे होता है सी तीन पे होता है आई नौ पे होता है डी चार पे होता है ये पाँच पे होता है ये सात पे होता है तेरह पे होता है ये आठ पे होता है ये दो पर है ये एक पर है ये उन्नीस पर है ये पांच पर है तो करना क्या है देखो मेरे लाल एक में चार जोड़ोगे बोले पांच बन गए गुरु जी तीन में चार जोड़ोगे बोले सात बन गए गुरु जी नौ में चार जोड़ोगे बोले तेरह बन गए गुरु जी चार में चार जोड़ोगे बोले आठ बन गए गुरु जी चार में दो जोड़ोगे छह एक और चार पाँच उन्नीस और चार तेईस और पांच और चार नौ प्लेस वैल्यू याद है तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए आसान बन जाए ना याद है तो फिर दिक्कत करेगी एफ ई डब्ल्यू आई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी वाले सारे ठीक है फोर्थ वन इज द राइट आंसर तो जितने लोगों का आंसर डी बन रहा है फोर्थ बन रहा है ऑल आर करेक्ट बहुत शानदार पैंतीसवे का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से करो दोस्त गुणा भाग जोड़ घटाना इनको ना तुम भूल जाना इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से प्रश्न संख्या चौतीसवे का आंसर कितना आएगा बात कर लीजिए किस चीज पे बताओ दोस्त मुलाकात करते हैं जल्दी 85 तो 85 क्वेश्चन हो रहे हैं या पिचासी नंबर आ रहे हैं दोनों में अंतर है दोस्त एक सौ तीस से एक सौ पैंतीस हो रहा है ठीक है अब थोड़ा सा बस कोशिश करके दस नंबर और बढ़ा लो बस तो सेफ जोन में चले जाओगे <coughs> चर्चा कर ले कितना आएगा देखो सबसे पहले भाग करना है अपने को जब भी कहीं पे कोई पंगा हो तो पहले भागो तो भाग करने के लिए पीपी कहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है चार पंजे बीस उसके बाद अपनी संख्या बढ़ाओ संख्या कैसे बढ़ेगी गुणा करके तो गुणा करो क्यू का अर्थ है गुणा अठारह पंजे नब्बे फिर जोड़ो आर का अर्थ है जोड़ तो नब्बे प्लस पाँच माइनस छ तो पिचअ में माइनस छः करोगे नवासी आंसर आएगा एट्टी नाइन क्लियर है सबको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा सबका नवासी आ रहा है एट्टी नाइन वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है जितने लोगों का आंसर एटी नाइन बन रहा है ऑल आर करेक्ट शॉर्ट ट्रिक ये है तो मेरे लाल कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि तुम गुणा कैसे करते हो भाग कैसे अब तुम लिख के भाग कर रहे हो तो टाइम बहुत लगेगा कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि तुम खुद में कितनी बेहतर कैलकुलेशन कर पा रहे हो तुम ओरली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तुमको उसको भी पेन पेपर लेना पड़ रहा है भाग करने के लिए गुणा करने के लिए इसका आंसर कितना बनेगा दोस्त? चलें चर्चा कर लें बुक बता दूंगा कहां से ऑर्डर करनी है अभी बस तो अभी पढ़ लो थोड़ी देर पढ़ाई के बाद में बात करते हैं इस पर सबसे पहले ए का अर्थ है भाग तो जहां एम भाग करो पांच छक तीस फिर गुणा किसका रखा है गुणा जहां डी ए वहां गुणा कर दो छे और चार की गुणा होगी छह चौक चौबीस फिर जोड़ो बी का अर्थ है जोड़ चौबीस प्लस नौ माइनस आठ पच्चीस आंसर आ रहा होगा ऑप्शन डी फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है जिनका आंसर डी बन रहा है है ऑल आर करेक्ट क्लियर ना दोस्त चले आगे हाँ छत्तीसवे के बाद सैतीस सैतीस में खाली है अच्छा आया अब आया चलो इसको निकालो इसमें कंप्लीट कर रहे हैं तुमको भाग इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है जल्दी से बताओ कितना आएगा छत्तीसवे का आंसर सॉरी सैतीस आ गया अब तो इसका आंसर कितना होगा मेरे को लग रहा है ना आज वीडियो थोड़ी सी पीछे चल रही है दस पाँच मिनट का गैप चल मतलब दस पाँच सेकंड का गैप चल रहा है दस सेकंड का तो है मैं कुछ चेक करूँ है शायद कि जब मैं बोल दे रहा हूँ उसके बाद कहानी आगे जा रही है हाँ वही दिक्कत है और ये आज मैं देख नहीं पाया तो मैं पहले कर दे रहा हूँ तुम्हारे पास दस सेकेंड बाद पहुँच रही है तुम बोल दे रहे हो तो मेरे पास दस सेकेंड बाद आ रहा है चलिए चर्चा कर लें कितना बनेगा देख लें समझ लें मुलाकात कर लें बात कर लें चलो मेरे लाल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है फिर से सबका है ना चलो कोई दिक्कत नहीं काफी है डी वाले काफ़ी हैं देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बता दो तुम कुछ जल्दी कैसे करोगे एक तो तरीका होता है कि तुम इनको पूरा पूरा पुट करो और निकालो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है तुम क्या करो शॉर्ट में करने के लिए एलिमिनेट करो ऑप्शन को कैसे देखो तुमको जीरो लाना है तो तुम पहले ये देखो भाग कहाँ पे लगेगा भाग लगेगा बारह और छह के बीच में तो बारह से छह को भाग करोगे या तो बटी में चीज बचेगी पूरा नहीं कटेगा तो इसको हटाओ इसमें देखो माइनस 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 लगा हुआ है में से छह घटाओ छह में से बारह घटाओ तो बारह छह छह घटा के तो आएगा नहीं तो इसको हटाई दो तीसरा वाला कह रहा है फिर भाग लग रहा है छह से चौबीस को भाग करो कह रहा है तो तीसरे वाले में हमने कह रहा से चौबीस को भाग चार आ गया फिर इसको जोड़ो बारह में बारह में चार जोड़ा सोलह आ गया फिर सोलह को सोलह से भाग कर दो सोलह को सोलह से भाग करो एक आएगा जीरो भी हट गया चौथा वाला फिर कह रहा है कि भाग करो तो ये आ गया चार फिर जोड़ो सोलह और सोलह घटा दो चौथे वाले से आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा और ये चीज डिपेंड पे करेगी कब कर पाओगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होगी मैं जोड़ घटाना जल्दी से आता होगा जोड़ घटाने में दिक्कत होगी तो दिक्कत आएगी तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी डी वाले सारे ठीक है इसको निकालो अभी सेटिंग के क्वेश्चन आ गए अब मुझे पता है कि देखो तुमको सच्चाई बताऊं अभी तुम नंबर देख लेना कितना लगभग चौंतीस सौ लोग हम चल रहे हैं अब तुम देखना दो से दो सौ से तीन सौ लोग मैदान छोड़ देंगे क्यों इन क्वेश्चन से डर इतना लगता है उनको सीखना चाहते नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसके तीन क्वेश्चन आएंगे पेपर में तुम लोग निकालो बाकी जितने करने हैं जितने लोग को ट्राई करो सिटिंग डरना नहीं है करना है ठीक है डरने का काम ही नहीं है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा नहीं होगा तो सीखेंगे और होगा तो करेंगे इसको निकालो कितना आएगा दोस्त विकास दस दिन हो गए मेरे को ये बता दो एक बार तब मैं बात कर लू इस पर ये वाले सीखने तो पड़ेंगे दोस्त अगर पेपर निकालना है तो तीन क्वेश्चन इस वाले से आएंगे तीन क्वेश्चन का मतलब समझते हो छ नंबर ओके ओके, 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 दीप्तांश चलिए चर्चा कर ले देखो सौ लोग गायब हो चुके चौतीस सौ बीस से तेतीस ते ते सौ पचास पे आ गए लगभग संख्या सत्तर लोग तेतीस ते ते सौ तीस पे आ गए समझ रहे हो ये आलम है अब इस आलम से इनको पेपर निकालना है कैसे निकलवा दे इनका पेपर हम खुद सोचो कि जो पढ़ने को ही तैयार नहीं है जो सीखने को तैयार नहीं है उसको कैसे निकलवाओगे पेपर एक होता है कि बच्चा इसको नहीं आता है उसको निकलवा सकते हो तो, मगर वो सीखने को तैयार है जो सीखने को ही नहीं तैयार उसको कहां से निकलवा दोगे पेपर इस क्वेश्चन में है क्या ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर बैठे हुए हैं यू टी के ठीक दाएं बैठा है क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है पी जो एकदम दाए हैं के ठीक दायें बैठा है एस आर के ठीक दायें बैठा है चलो अपने पास टोटल लोग कितने अपने पास टोटल लोग हैं सात एक दो तीन चार पांच छ ठीक है एक एक लाइन करके बनाते हैं अब जिनको नहीं आता है वो सीखना जिनको आता है वो देखना कि तुम्हारा सही हुआ है कि गलत हुआ है आराम से है ना समझ सब सुनना आप। सबसे पहले और सात सात लोग बनाए अब यहाँ पे एक लाइन देखो जहाँ पे फिक्स पोजिशन मिले पी जो एकदम दाए है दाया कौन सा छोर होगा दाया हाथ तो कहा गया एकदम दाए ओके ठीक दाए बैठा है तो ओके दाए कब होगा जब ओ यहाँ पे बैठेगा ये लाइन क्लियर हो गई ओके और पी की जल्दी बताओ P और O की लाइन क्लियर हो गई दोस्त या हाँ ना जल्दी बताओ मेरे लाल जल्दी 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 P और O वाली लाइन क्लियर है बहुत बढ़िया अब आगे क्या दे रखा है अब इससे अब तुम कौन सी लाइन उठाओ अब वो लाइन उठाओ जिसमें P या O का जिक्र हुआ हो जिस लाइन में तुमको P या O से कोई रिलेशन मिले अगर क्वेश्चन करना जब भी कोई एक लाइन बनाया करो तो उसके बाद ये देखो करो इनसे रिलेटेड कोई लाइन है क्या तो इनसे रिलेटेड कोई लाइन दिख रही मैंने कहा यू टी के बाय बेटा क्यू आर और ओ के बीच में ये लाइन मिल गई मेरे को क्यू जो है वो आर और ओ के बीच में है

अब अगर हम बात कर ले इस पर क्या कर रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है तो बीच में चेक कर लो अपने आप से कौन बैठा है बीच में बैठा है आर बैठा है ना तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले सारे ठीक तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है क्लियर है मेरे लाल हाँ या ना एक बार और ट्राई करोगे एक क्वेश्चन जल्दी बताओ करना है ट्राई हाँ या ना अच्छा पहले मेरे को ये बताओ अभी लगभग अपन ने आधा अपना पूरा कंप्लीट किया है तो पहले मेरे को एक चीज बता दो जरा जल्दी से कि थके तो नहीं हो थके तो नहीं मैं सच बताऊं तुमको यार मैं लिटरली मैं तीन घंटे के आसपास सोया हूं लेकिन मैं नहीं थक रहा तो क्योंकि मुझे पता है कि आज मेहनत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिखेगा एक रिजल्ट दिखेगा चाहे वो एक क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादा हो जाए दो नंबर ज्यादा बढ़ा लोगे तो कम से कम दस पंद्रह हजार बच्चों से ऊपर हो जाओगे है ना नहीं थके हो ना तो फिर एक बार जल्दी से बताओ हाउ इज द जोश पल्टन हाई और नॉट हाउ इज द जोश हाई और नॉट होना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे एक चीज बोली थी शुरू बहुत लोग करेंगे और पढ़ाई नहीं आज की क्लास में भी देखना शुरू बहुत लोगों ने किया है लेकिन खत्म बहुत कम लोग करेंगे और जो खत्म करेगा वही सबसे पहला हकदार होगा किसी भी चीज का शुरू करने वाला नहीं फिनिश कौन करके जा रहा है शुरू से लेके आखिरी तक मैच खत्म कौन करके जा रहा है वो मैटर करता है ठीक है ना तो वही चीज चाहिए क्लियर एबल चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर सेटिंग का देखते हैं होगा यार कैसे नहीं होगा अपन से ही होगा है ना तुम लोग ट्राई करो नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं यार तुम्हारे लिए परेशान क्यों हो रहे हो मैं सिखाऊंगा ना बट ट्राई करो अपने आप से एक बार चलो अच्छे से कोशिश करो फिर इस पे कैसे होगा क्या होगा क्या नहीं होगा निकालो दोस्त कितना आ रहा है Love you too, मेरे लाल इसका आंसर बताओ नंबर पे छियासी से नब्बे तो बहुत कम है मेरे लाल इस पे तो नहीं हो पाएगा बढ़ाने पड़ेंगे चलिए चर्चा कर ले कितना बन रहा है इसका आंसर पंद्रह दिन से ऊपर हो गया आप मुझे एक बार अपनी ऑर्डर आईडी जय हिंद बहुत लेट आए हिंदे चलो बात कर ले कितना आ रहा है समझ ले देख ले मुलाकात कर ले अब चलो जितने लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है जितने लोगों का नहीं हुआ है वो लोग क्या करना मेरे साथ में करना है ना अपन करते हैं मिलके देखो क्या करना है सबसे पहले देखो अपर्णा अपर्ण क्या है अर्पण लोहित विनायक कृपाल और अशरफ फिल्म देखने गए ठीक है कितने लोग हैं पांच लोग हैं सभी स्क्रीन के सामने एक लाइन में बैठे हैं कृपाल जो है वो अशरफ के ठीक बाएं है विनायक अर्पण के ठीक बाएं है लोहित अर्पण के बाएं से दूसरे स्थान पर कृपाल एक कोने पर बैठा है अच्छा कृपाल अशरफ के ठीक बाएं है एक चीज बताओ मेरे को मान लो ये पांच लोग बैठे हैं एक दो तीन चार पांच ये लगी है स्क्रीन और कृपाल जो है वो एक कोने पर बैठा है तो या तो कृपाल यहां बैठेगा या तो कृपाल यहां बैठेगा मानते हो कि नहीं मानते हो जल्दी बताओ या तो कृपाल इधर बैठेगा या तो कृपाल इधर बैठेगा अगर कोने पर बैठा है तो लेकिन साथ में एक लाइन है है कृपाल जो वो अशरफ के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर मैं कृपाल को यहां बैठा हूं तो ये अशरफ के बाएं बैठ ही नहीं सकता अशरफ के दाएं बैठ सकता है लेकिन यहां बाएं बोल रहा है तो मतलब क्लियर हो गया कि कृपाल यहां नहीं बैठा कृपाल कहां बैठा है इस कोने पर बैठा है और इस कोने पर बैठा है तो अशरफ के बाएं बैठ सकता है मतलब इसको मुझे अशरफ बनाना पड़ेगा यहां तक की लाइन क्लियर है पलटन

अगर मैं अर्पण को यहां बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल तो अर्पण के बाय दूसरा नहीं आ सकता तो इसको भी हटाओ फिर मैंने क्या किया मैंने कहा अर्पण को कहा बनाऊ बना दो सर अर्पण को यह अर्पण हो गया अगर मैं अर्पण को यहां बनाता हूं तो मुझे पता है कि लोहित जो है अर्पण के बाएं से दूसरा बैठा है अर्पण अगर ऐसे बैठा है तो इसका बाएं से दूसरा बाया पहला बाया दूसरा ये लोहित आ गया एक नाम यहां पर बच रहा है कौन सा नाम बच रहा है वो बना दो विनायक बच रहा है वो यहां आ गया ये आपका डायग्राम बन रहा होगा आपसे पूछ कह रहा है आपसे पूछा अशरफ के ठीक दाएं कौन बैठा है तो अशरफ के ठीक दाएं लोहित बैठा है आंसर कितना तारों का होगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सबको सेकंड वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर बी बन रहा है सेकंड बन रहा है ऑल आर करेक्ट बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है चले दोस्त आगे एक और ट्राई करो फिर अपने आप से इसको निकालो जल्दी से कोशिश करके देखो होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा इससे ज्यादा क्या है ट्राई करो पलटन कितना आ रहा है ओके okay, दोस्त इस सैटरडे तक आ जाएगी आपकी बुक चले भाई चर्चा कर ले कितना आएगा पलटन है ना चलो ठीक है देखते हैं इसको आराम से और जहां पे भी ना समझ में आए वहीं मेरे को बता देना आखिरी में इंतजार मत करना कि लास्ट में लिखें रिपीट कोई मतलब ना है उसका आराम से हर एक लाइन पे पूछूंगा मैं तुमसे क्यू एस के दाएं से दूसरा बैठा है पी यू के बाएं से चौथे स्थान पर यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है पी के दाएं कौन सा बैठा है ये तुमको बताना है एक चीज बताओ हमको यहाँ पे लिखा है क्यू जो है वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो मान लो ये एस बैठा है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर ये एस बैठा है तो एस ऐसे बैठा है इसका दाया किधर होगा इधर होगा Osionfish. तो दाया पहला और दाया दूसरा ये क्यूँ आ गया दाएं से दूसरे स्थान पर या हाँ ना जल्दी बताओ हमको ये लाइन क्लियर है पलटन पहली वाली जल्दी से पहली वाली लाइन सबको समझ में आई कि क्यू के एस जो हो गया क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया इसके बाद में क्या दे रखा है इससे रिलेटेड या तो एस या क्यू से रिलेटेड लाइन देखो तो यहां पर मिली आर जो है वो क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है तो क्यू ऐसे बैठा है इसका दाएं से दूसरा दाया पहला और दाया दूसरा यह आ गया आर आर बन गया क्यू के दाएं से दूसरा ये दूसरी लाइन हो गई आई होगा सबको दोनों पर नहीं बैठा यू के बाएं से चौथे स्थान पर बनाना है और यू अंतिम छोर पर होना नहीं चाहिए तो हमारे पास पांच लोग तो हो गए मान लेता हूं मैं अगर इधर एक लाइन लिखू तो यू यहां तो आएगा नहीं यहां बनाया मैंने तो एक दो तीन चार यहां पर आ जाएगा पी अब एक चीज समझना यू अंतिम छोर पर पहुंच गया और उसने मना किया है कि यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा हो तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे यू 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 को 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 यहां 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 से हटाना पड़ेगा अब अब क्या बना सकते हैं एक कंडीशन बनती है कि मैं यू को कहां बनाऊं बनाऊं अगर मैंने यू को यहां बनाया तो एक दो तीन और चार यहां पर आ जाएगा पी एक नाम बच रहा है वो यहां पर रख दो कौन बच रहा है वो बच रहा है आपका टी वो यहां पर आ जाएगा कुछ ऐसा आ रहा है जितने लोगों ने ड्रॉ किया है जल्दी से बताओ इस प्रकार का बन रहा है जितने लोगों ने ड्रॉ किया है अब आपसे पूछा क्या आपसे पूछा है कि पी के दाएं से दूसरा कौन बैठा पी ऐसे बैठा इसका दाया हाँ है इसका सेकेंड इज द राइट आंसर चले भाई आगे एक और करते हैं इसको निकालते हैं ये सिटिंग आपका किस में सर्कुलर में तो, तो अराउंड वाला निकालो भाई कितना आएगा दोस्त हमको लग रहा है थक गए अब तुम बता देना यार खत्म कर देंगे ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है मेरे को मैं तो चाह रहा था आज मैं तुमको पूरी पढ़ा देता पूरी रीजनिंग अभी तो बहुत टॉपिक बचे थे डायरेक्शन बचा था ब्लड रिलेशन बचा था क्लॉक बचा था घड़ी कैलेंडर बचा था पढ़ाने को तो काफ़ी कुछ था अभी लेकिन अब हालात नहीं लग रहे तुम्हारे पढ़ने वाले मतलब दो घंटे पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे ढंग से क्यों भाई कैसे चलेगा दोस्त ऐसे बता दो यार फिर अब बताओ अभी करना है कि नहीं करना है आगे थक जाओ तो मेरे को बता देना कि भाई सर बंद कर दो तो मैं बंद कर दूंगा और जब लगे कि नहीं सर अभी तो पढ़ना है तो बता देना तो मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ मुझे तुम्हें ही पढ़ाना है मैं कोई अपने लिए नहीं लाऊँ एक क्लास की मेरे को यहाँ पे तीन घंटे दिखाने पढ़ा के कोई मेरे को मैं वैसे भी टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ाता कभी अभी तो पूरी नॉन वर्बल बस थी तुम्हारी मिरर इमेज वाटर इमेज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग ये सब पढ़ाना था यार तुमको ट्रेंगल काउंटिंग कैसे करेंगे स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे डिक्शनरी वर्ड में कैसे रखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग कंपेरिजन के क्वेश्चन थे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन थे डाइस के क्वेश्चन कैसे करते हैं पासा कैसे करते हैं ये सब पढ़ना था सिर और पैर वाले क्वेश्चन बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए पढ़ना है चलो ठीक है तो इसको कर लेते हैं पांच व्यक्ति हैं गौरव पूजा राहुल संयुक्ता और बेनाम एक गोलाकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं बहुत शानदार तो देखो कैसे बनाओ ये चार बना लिया पांचवा यहाँ 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 जहां मन करे वहां बना दो मेरा मन यहाँ कर रहा है मैंने यहाँ बना दिया ये हो गए पांच ठीक है ये हो गए अपने पांच व्यक्ति सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये सेंटर की तरफ सबका मुंह कर दो अब एक एक करके लाइन पढ़ो सबसे पहले क्या दे रखा है आ, पूजा राहुल की निकटतम पड़ोसी नहीं है संयुक्ता जो है वो क्या है राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर है संयुक्ता जो है वो राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर है राहुल मान लो ये बैठा है तो इसका दाया पहला दाया दूसरा ये हो गई संजुक्ता ठीक है ये संजुक्ता हो गई राहुल का दाएँ से दूसरे स्थान पर अच्छा पूजा राहुल की पड़ोसी नहीं तो इन दोनों पर पूजा नहीं आएगी पूजा यहाँ बैठेगी ये पूजा हो गई और जो संजुक्ता है वो गौरव की निकटतम पड़ोसी नहीं तो गौरव यहाँ नहीं बैठेगा गौरव यहाँ बैठेगा एक नाम बच रहा है बेनाम वो यहाँ आ जाएगा तो लिखा गौरव के ठीक दाएं कौन बैठा है तो राहुल बैठा है राहुल आंसर आ रहा होगा सबका ऑप्शन नंबर डी फोर्थ वाले सारे ठीक है डी इज द राइट आंसर तो राहुल वाले सारे करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलो तो अब बात कर लेते हैं देखो यार एक चीज मैं तुमको बता दू आज आज सुबह नौ बजे से अभिनंदन सर मैथ की मैराथन लेकर आ रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर ठीक है टॉप हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस की मैराथन है मैथ की मैराथन रहेगी इस मैराथन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आज सुबह नौ no बजे से ठीक है इसी चैनल पर रहेगी अच्छा वैसे तो सबने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा तो मुझे बोलने की वैसे जरूरत है नहीं तुम में से किसी को लेकिन हो सकता है कोई नया बच्चा भी आ गया हो उसने ना कर रखा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हें क्लासेस के नोटिफिकेशन अपने फोन पर मिलते रहेंगे कौन सी क्लास कब लाइव हो रही है और अब आखिरी टाइम चल रहा है पेपर का तो बहुत फायदा करेगी तुम्हारे लिए कोई ट्रिक की क्लास है कोई चैप्टर की क्लास है तो वो मिलती रहेगी है ना और पैसे नहीं करते उसके फ्री होता है चैनल सब्सक्राइब करना तो फ्री में चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें से कोई तो कर लो या इसको कोई रिकॉर्डेड देखेगा तो कर लेना चलो आगे बात करते हैं बयालीस नंबर का आंसर निकालो कितना है जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्त कितना आ रहा है राइट साइड पूछ रहा है देखो मेरे लाल राइट साइड पूछ रहा है गौरव के गौरव के राइट पूछ रहा है ना? के ठीक दाएं कौन बैठा गौरव ऐसे बैठेगा तो राइट यही तो होगा दाया दाया नीचे वाला तो राइट पे कौन है राहुल है लेफ्ट पे कौन है पूजा है ठीक है तो इसलिए राइट पे राहुल रखा है इसको निकालो बयालीस को जल्दी करो भाई कितना आएगा जल्दी 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 इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर डी फोर्थ कंफर्म सौ करा दूं सौ करा दूंगा मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं मैं सौ और दो सौ जितने बोलो करा दूंगा बट पढ़ो तो तुम ही छोड़ के चल दो एक क्लास तो किसको कराऊंगा अभी तो मैंने पानी भी नहीं पिया है तो मेरे को प्यास लगने लग गई है काफ़ी बट मैं सोच रहा हूँ तो मैं पूरा पढ़ा के पीऊँगा जल नहीं पीऊँगा है ना जल नहीं पीऊँगा वो है ना एक क्या क्या है अब सुने तो होगी तुम लोग मैं कुछ यहाँ पर बोलूँगा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी छोड़ो ये वाला जो चल रहा है वो यहाँ से चलेगा ये सर्कल उठेगा तो यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है सलाइज टच है यहाँ पे गैप है तो इसको नमस्ते करो यहाँ पे टच है यहाँ भी टच है यहाँ पे टच अच्छा ये सिंगल जा रहा है यहाँ से डबल डबल है है जा रहा तो नमस्ते कर दो इसको इन दोनों में सिंगल जा रहा है अच्छा उसके बाद दूसरे वाले में डबल जा रहा है तो यहाँ पे दूसरा वाला सिंगल जा रहा है इसको नमस्ते कर दो इसमें डबल जा रहा है तो डी वाले सारे ठीक हो जाएंगे फोर्थ वन इज द राइट आंसर क्लियर है मेरे लाल तो जितने लोगों का आंसर डी आएगा वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे फोर्थ वाले सारे के सारे करेक्ट हैं चले भाई आगे डी वाले सारे के सारे बिल्कुल सही हैं चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं इसका आंसर निकालो कितना है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ दस मिनट का ब्रेक दिया तो ये आधे ना बेड पे गेट गिर जाएंगे और इनकी आंखें बंद हो जाएंगी अपने आप है ना फिर ये कम से कम तीन घंटे बाद उठेंगे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है

बी आ रहा है सेकेंड कंफर्म कोई चाय वाय बना लो खाली हो तो पत्ती ज्यादा चीनी कम कितना आ रहा है भाई देख ले मेरे लाल आ, देखो इस वाले में अपने को ऐस तो बनाना ही बनाना है बोले सब में ऐसे है नीचे स्क्वायर चाहिए इसके तो इसमें सर्कल दे रखा है इसके नीचे तो इसको नमस्ते कर दें यहाँ भी सर्कल दे रखा है इसको नमस्ते कर दें अच्छा ये जो ट्रेंगल बनेगा ये ऐसा आएगा अगर ऐसा आएगा तो इसको नमस्ते कर दें ये उल्टा जा रहा है ट्रेंगल तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी सी वाले सारे ठीक हैं थर्ड इज द राइट आंसर सी जितने लोगों का आ रहे हैं सारे करेक्ट जा रहे हैं इसका आंसर निकालो जल्दी से पैंतालीस का आंसर कितना होगा ये प्रीवियस है आ चुका है क्वेश्चन ये आया हुआ प्रश्न है ऑलरेडी ठीक है सी 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 लेट सी चर्चा कर ले मेरे लाल कितना बनेगा इस प्रश्न का उत्तर अगेन ए सी सी कोई दिक्कत नहीं दोस्त बस तुम सिलेक्शन ले लो थैंक यू की जरूरत नहीं पड़ेगी सी आ रहा है देखो मेरे लाल यहाँ पे क्या बनेगा सी बनेगा या एल बनेगा अच्छा ऐसा एल बनेगा तो इसको नमस्ते कर दें इसमें के उल्टा दे रखा है तो इसको नमस्ते कर दें इसमें तो कुछ और ही दे रखा है तो इसको नमस्ते कर दें बचा कौन ऑप्शन सी थर्ड वाले सारे ठीक हैं सबका सी ही आके मानेगा क्या इसका निकालो सी लगा दो अपने आप से जल्दी से कितना आएगा इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे लाल जल्दी से पचास के बाद में रैपिड फायर करते हैं ठीक है तैयार रहना पचास के बाद में रैपिड फायर क्योंकि लगभग अगले एक घंटे में पचास क्वेश्चन करने हैं हमको एलपी की क्लास शाम को चार बजे चल रही है सी वाले काफी आ रहे हैं थर्ड चलिए चर्चा कर ले कितना बनेगा इस पे देखो सबसे पहले तो ए का इमेज बनेगा ए सब में वैसा ही दे रखा है तो कोई मतलब ना है है ना सी इसमें उल्टा दे रखा है तो इसको तो नमस्ते कर ही सकते हैं अपने बाकी बचेंगे अच्छा यू जो दे रखा है वो सब में एक दे रखा है कोई दिक्कत ना है एस दे रखा है तो एस इसमें सीधा दे रखा है तो इसको नमस्ते कर दो उन दोनों में से कोई आंसर टी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, बनेगा तो इसको नमस्ते कर दो बच्चा कौन बी तो जितने बी वाले आ रहे हैं सेकंड वाले आ रहे हैं वो सारे के सारे सही कहला रहा है बी इज द राइट आंसर सी ना आएगा दोस्त बी आएगा ठीक है तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है इसको निकालो कितना आएगा सैतालीस को जल्दी से बताओ फोर्टी सेवन का आंसर प्रश्न संख्या सैतीस का उत्तर कितना होगा बी सी डी देख लें कितना आ रहा है और समझ लेते हैं देख लेते हैं मुलाकात कर लेते हैं बात कर लेते हैं ये वाला ट्रेंगल ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ को दिखेगा तो इसको नमस्ते कर दें अच्छा ये चीज़ तो इधर ही दिखेगी अगर इधर ही दिखेगी देखो तो मेरी आर्ट थोड़ी सी ऐसी रही है कि मैं तुमको क्या बताऊँ जैसे राहुल गांधी जी का राजनीतिक कैरियर रहा है वैसी मेरी आर्ट रही है है ना दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता कोई अर्थ नहीं है तो कुछ ऐसा है तो अपन अगर बात कर रहे हैं इस पर ये नमस्ते ये नमस्ते बच्चा कौन ए ए वाले सारे ठीक है तो फर्स्ट जितने लोगों का आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो जा रहे हैं ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा अड़तालीस में का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से फोर्टी एट का आंसर कितना आ रहा है प्रश्न संख्या अड़तालीस का उत्तर बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है फिर से ए चलो बात कर ले कितना बनेगा देखो मेरे लाल ये ऐसा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा जब ऐसा ऐसा हो जाएगा तो इसको नमस्ते करो इसको नमस्ते करो ये ठीक लग रहा है इसको नमस्ते करो बी आ रहा होगा आंसर सबका बी आ रहा है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में याद रखना मिरर इमेज वाटर इमेज अगर तुमको आता है तो इसमें कुछ और करने की जरूरत है नहीं सेम लगता है मिरर इमेज और वाटर इमेज कुछ और लगता ही नहीं इसको निकाल के देखो कितना आएगा जल्दी से ऑप्शन बी सेकंड सारे चलो देखने ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है पूजा एक बार इसका कॉन्सेप्ट अगर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना पेपर कटिंग बाई साहिल तिवारी जो भी चैप्टर पढ़ना हो ब्लड रिलेशन पढ़ना है ब्लड रिलेशन बाई साहिल तिवारी अलग से डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना है डायरेक्शन डिस्टेंस बाई साहिल तिवारी फिगर काउंटिंग पढ़ना है फिगर काउंटिंग बाई साहिल तिवारी पेपर कटिंग बाई साहिल तिवारी जो चैप्टर पढ़ना है बस लास्ट में बाई साहिल तिवारी लगा के सर्च कर लेना वो वीडियो मिल जाएगा हर एक चैप्टर का वीडियो हर एक चैप्टर का ए टू जेड अब देखो जब भी ऐसी चीज को हम ऊपर खोलते हैं ना जब भी किसी को हम ऊपर खोलेंगे तो उसका वाटर इमेज बनेगा जब भी मैं तुमको समझा रहा हूं एक बार कॉन्सेप्ट पूरा जब भी कोई चीज तुम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ टर्न करोगे

नहीं है समझ में आया? जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे बनाओगे तो उसका वाटर इमेज बनता है मतलब क्या बनता है जल प्रतिबिंब बनता है जब भी दाएं या बाएं बनाओगे तो क्या बनता है आपका मिरर इमेज बनता है मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनता है ठीक है चलो इसका आंसर बताओ पचास का कितना आ रहा है जल्दी मेरे लाल इसका कितना आ रहा है ऑप्शन बी ऑप्शन डी सेकेंड एंड फोर्थ चलो अब देखो इसको ना फोल्ड करना है अब फोल्ड कैसे करें करें सर किस साइड पे करें? क्या क्या समझे देखो दो चीजें समझो पहले तो जिस तरफ पिक्चर हो रही है उसी साइड पे फोल्ड हुआ है एक साइड खाली खाली पड़ी है तो इस साइड पे फोल्ड हुआ है जब कोई चीज को मैं उठा के इधर फोल्ड करूंगा इधर फोल्ड करूंगा समझना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका तुमको पूरा जब इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला हिस्सा तो एज इट इज रहेगा ये तो नहीं बदलेगा तो ये जो आधा हिस्सा है वो ऐसा ही बनेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ये वाला जो हिस्सा बन रहा था इस साइड पर ये वाला इसका इधर आएगा तो क्या बनेगा मिरर इमेज दाई तरफ या बाई तरफ जाता है तो मिरर इमेज बनता है तो इस हिस्से का मिरर इमेज होगा क्या इस हिस्से का मिरर इमेज ये होगा इस प्रकार का ये बनेगा और इधर से हट जाएगा ये वाला हिस्सा खत्म तो ये आंसर होगा चेक कर लो कहां पे बन रहा है ये आपका ए में बन रहा है बिल्कुल बन रहा है बी में बन रहा है नहीं बन रहा है सी में बन रहा है नहीं बन रहा है डी में बन रहा है नहीं बन रहा है आंसर कितना आ जाएगा ए ए वाले सारे ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर तो जितने लोगों का आंसर ए आर ओगा ऑल आर करेक्ट फर्स्ट पर बिल्कुल सही उत्तर बनेगा इसका निकालो कितना आएगा जल्दी से इक्यावन का आंसर कितना आ रहा है इक्यावन में प्रश्न का उत्तर बताओ दोस्त कितना आ रहा है चलिए बहुत अच्छा अब एक चीज मेरे को लग रही है कितने लोग ऐसे जो शुरू से अब तक साथ बने हुए हैं तुम में से क्योंकि तो अब लास्ट एक घंटा बचा है बस है ना जहाँ पे हम अपने आगे के पचास क्वेश्चन कवर करेंगे स्पीड में थोड़ा तो कितने लोग अभी बने हुए हैं शुरू से अब तक बहुत शानदार ओके okay. चलिएगा तो इस पर बात कर लेते हैं फिर लास्ट वाले अपने सेशन पर चलते हैं जब इसको इधर फोल्ड करोगे तो इसका बस मिरर इमेज बनेगा इसका मिरर इमेज आएगा बीच में डॉट और इधर से ये खत्म हो जाएगा इतना आंसर होगा ए में है नहीं बी में है सी में नहीं है डी में नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा बी सेकंड वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर बी बन रहा है वाला करेक्ट ठीक है तो लास्ट वाले अब लास्ट सेगमेंट में चल रहे हैं लास्ट सेगमेंट के लिए तैयार हो मैंने बोला था मैंने तुमको शुरुआत में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाए थे तो शुरू के जो चैप्टर्स थे वो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के रहे हैं लास्ट में हम बाकी सबको भी कवरअप करेंगे तो अब लास्ट के लिए हो जाओ तैयार लास्ट सेगमेंट अपना स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो अगर अभी तक डटे रहे हो तो मैं चाहूंगा लास्ट तक डटे रहना हाँ टेस्ट सीरीज अगर किसी को लेनी हो तो ये मेरा कूपन कोड है वाई दो अगर किसी को बैच खरीदना है कोई महापैक खरीदना है तुम्हारे दोस्त कोई दोस्त नहीं है जिनको लेना है उनको बता सकते हो और उनसे कहना अगर टेस्ट सीरीज या किताब लेनी हुआ करे तो साहिल सर का कोड है वाई और इसी में एस फॉर साहिल सर जोड़ दिया करो ये किताब और टेस्ट सीरीज के काम आता है सरी सत्तर रुपए में मिल जाएगी इसके आसपास ठीक है चलो इसका आंसर निकालो तीसवी का कितना आएगा जल्दी से तीस का आंसर बताओ फास्ट इसमें तुमको बताने आगे क्या आएगा इसके निकालो पलटन इसके आगे क्या आएगा

पहली इमेज और आखिरी इमेज एक सी बोले हाँ एक सी है। जब पहली और आखिरी इमेज एक सी आ जाए तो उस सीरीज को रिपीटेड सीरीज बोलते हैं उसमें क्या करना होता है जब पहली और आखिरी इमेज सेम होती है तो ये इमेज आंसर होती है जैसे इसके बाद आई है तो वैसे इसके बाद भी यही आएगी और जब ये आएगी तो जिसमें बन रही है तो इसमें नहीं बन रही हाँ बी वाले में बन रहे तो बी आंसर हो गया बात खत्म सेकंड इज द राइट आंसर बी वाले सारे ठीक हो गए क्लियर है दोस्त तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड वन इज द राइट आंसर चले आगे चलो त्रेपनवे का आंसर निकालो जल्दी से कितना आएगा फास्ट त्रेपन का आंसर कितना बन रहा है बल्टन निकालो भाई त्रेपन क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आ रहा है ओके 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 इंडियन इसको निकालो कितना आ रहा है तो अभी ट्राई करो जितना स्कोर बढ़ा सकते हो उतना बेहतर देखो इसमें होगा क्या एक एक लाइन ऐड कर रहे हैं एक थी बोले हाँ फिर एक ऐड कर दी बोले ठीक थी है फिर उसमें एक ऐड कर दी बोले ठीक है फिर उसके आगे एक ऐड कर दी बोले ठीक है फिर उसमें एक ऐड कर दी बोले ठीक है तो आगे एक और ऐड होगी ये आंसर होगा ऐसा कहां पे बन रहा है देखो इसको नमस्ते 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 नंबर ई वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर ई बन रहा है ऑल आर करेक्ट पांचवे वाले सारे ठीक है इसको निकालो कितना जल्दी से चौवन का आंसर कितना बन रहा है दोस्त चौवन में प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा मेरे लाल जल्दी 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 देख देखना देखो इसमें हो क्या रहा है जहां पे डॉट लग रहा है मान लो इस लाइन पे डॉट लगा बोले ठीक है तो इसके आगे वाली लाइन हट गई टूट गई ये लाइन हट गई फिर यहां पे डॉट लगा बोले ठीक है ये लाइन टूट गई फिर यहां पे डॉट लगा बोले ठीक है ये लाइन टूट गई तो अब यहां पे डॉट आएगा और ये लाइन टूटेगी समझ में आ रहा है तो इसमें डॉट तो आ गया लाइन भी टूट गई ठीक है इसमें डॉट नहीं आया इस जगह पे इसमें डॉट तो आया बट लाइन नहीं टूटी तो मेरे लाल ऑप्शन नंबर ए वाले right तो लोगों का उत्तर, सारे बिल्कुल ठीक होंगे चले आगे पचपन का आंसर निकालोगे जल्दी से निकालो कितना आ रहा है पचपन प्रश्न का उत्तर फास्ट अब थोड़ा स्पीड में करेंगे ठीक है सारे क्वेश्चंस को अपन सारे के सारे प्रश्नों को थोड़ा स्पीड के साथ लेकर चलेंगे निकालिए भाई कितना आएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन ए फिर से मैं एक लाइन रिपीट कर दूं शायद को ना पता हो फिर मेरे पास तुम बार बार सर क्यों नहीं हुई क्या नहीं हुआ मैं तुमको बता दूं कि अब इस वीक में चाहे कल थर्सडे हो परसों फ्राइडे हो सैटरडे हो तीनों दिन मेरी क्लास सुबह पांच बजे नहीं होगी नहीं होगी ठीक है

इसको एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं कोई आंसर गलत होगा ही नहीं जहां तुमको ये पता है कि कौन से गलत हैं इसको निकालो जल्दी से छप्पनवे का आंसर कितना आएगा ट्राई करो प्रश्न संख्या छप्पन का आंसर कितना आ रहा है चौवनवे का बी होगा एक बार मैं दोबारा अभी बता देता हूँ चौवन में ठीक है गलती करे तुम लोग फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी 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 चौवन में दोबारा बता दूंगा बट इसको करो पहले इसका आंसर कितना बनेगा दोस्त थोड़ी देर और पढ़ लो फिर जब बोलोगे तब बंद कर देंगे ठीक है तो थोड़ी देर और हिम्मत जुटा के साहस जुटा के पढ़ लो जहां पे तुमको लगे कि सर अब नहीं हो पाएगा वहां बता देना वहां बंद कर देंगे क्लास कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं चाह रहा हूं एक बार सारे चैप्टर पर निगाह मार लो कम से कम इस पर अगर हम बात करें तो क्या होगा ये ऐसा बनेगा बोले ठीक है गुरु ये ऐसा बनेगा बोले हाँ तो ऐसा नमस्ते करो सीधी लाइन आ रही है इसको नमस्ते करो झुक झुग्गे यहाँ पे लाइन इस पर बात कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ से गड़बड़ हो रहा है पिक्चर अगर हम हाँ ठीक है ये तो और ये वाले फिर झुक गई लाइन इसको नमस्ते करो सी आंसर आ रहा होगा थर्ड वाले सारे ठीक है क्लियर है

तो उसके बाद वाली में इस लाइन पे आएगा तो बी कैसे हो जाएगा ठीक है ये हो सकता था इन दोनों में से कोई एक होगा लेकिन है है क्या जहां डॉट उसके आगे की लाइन गायब हो रही है जहां डॉट लग रहा है उसके आगे की लाइन गायब हो रही है जहां डॉट लग रहा है है उसके आगे की लाइन गायब हो रही, है। है हो रही है। अगर यहां डॉट लग तो ये लाइन गायब होगी और ये लाइन ए में गायब है इसमें गायब नहीं है इसलिए ए आंसर था ये नहीं था क्लियर है तो ए वाले सारे ठीक है चलने अब आगे जल्दी चलो सत्तावन आंसर निकालो भाई फिगर काउंटिंग आ गई अब तो खेल जाओगे काउंटिंग का तो तुमको मैंने अलग से तो दो तीन घंटे खराब हो जाएगा अपना दो सौ क्वेश्चन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ना तुम लोग पढ़ो तो यार पंद्रह सो क्वेश्चन की पीडीएफ दे सकता हूं तो दो सौ क्वेश्चन करा नहीं सकता खड़े होके मैं ये बताओ क्यों परेशान हो रहे हो और मैं तो कह रहा हूँ दो सौ छोड़ो पंद्रह सो कर लो सो आज कर लो सो कल करा दूंगा सो कल करा दूंगा नौ से बारह में सो आज कर लो इतना कर लो बहुत ज्यादा तो है नहीं है तो आज लगा दो सो कल लगा लेना बारह में कल भी मैं क्लास लूंगा कल नौ से बारह लूंगा ठीक है इसको निकालो कितना आएगा इस पर अगर अपन बात करें चर्चा करें देख ले मुलाकात करें देखो कुछ नहीं होता इनमें ऐसी जब भी पिक्चर बना करें तो जितने नंबर डाला करो वो जोड़ दिया करो दो और एक आपस में तीन ये कई बार बताया तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पांच छे तो दो और एक तीन तीन और तीन और छह दस दस पांच पंद्रह पंद्रह छह इक्कीस यहां पे देखो एक दो तीन दो और एक तीन तीन और तीन छः यहाँ पर देखो एक दो तीन जितने आधार बन रहे हैं तीन दो पाँच और एक दो तीन चार पाँच दो एक तीन तीन और तीन छः छः चार दस दस पाँच पंद्रह जोड़ दो सबको इक्कीस और छः सत्ताईस सत्ताईस और पंद्रह कितना सत्ताईस और दस सैंतीस सैतीस और पांच बयालीस बयालीस छह अड़तालीस अड़तालीस ट्रेंगल आएंगे कितने ट्रेंगल आएंगे फोर्टी एट क्लियर है सबको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फोर्टी एट ट्रेंगल इज द राइट आंसर अड़तालीस ट्रेंगल बिल्कुल सही उत्तर बनेगा आई होप सबको समझ में गया कुछ नहीं करना नंबर डाल के छोड़ना है ठीक है चलो

निकालो कितना आ रहा है दोस्त इसका आंसर। मिसिंग नंबर ले लूंगा नंबर सीरीज का तो मैं सचिन ऑलरेडी, बट मिसिंग नंबर पर मैं ले लूंगा ठीक है चलो इसको निकालो कितना आ रहा है रेगुलर क्लास मेरी सुबह पांच बजे होती है पिछले चार महीने से मैं पांच बजे क्लास ले रहा हूं और ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी ठंड में जनवरी में, में मेरे साथ पांच बजे जुड़े रहे जनवरी की ठंड में भी ये मेरे साथ पाँच बजे जुड़े थे और मैं पाँच बजे ही पढ़ाऊंगा लेकिन मंडे से अब इस पूरे वीक मैराथन चलेंगी तुम्हारी अब मैं मंडे मिलूंगा तुमको सुबह पाँच बजे ठीक है मंडे सुबह पाँच बजे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो पैसा नहीं कटेगा फ्री है इसीलिए बोलता हूँ मैं उसका फायदा इतना होगा कि क्लास कब लाइव होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है बाकी टाइमिंग नोट कर लो है ना अब देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका समझो बहुत सिंपल है पहले तो एक पिक्चर बनाते हैं अपन मैं तुमको सिखाता हूँ बिल्कुल आराम से ठीक है देखो मेरी आर्ट के बारे में तुमको पता ही है है ना तो भावनाओं पे जाना

तो छः का मतलब क्या होगा ये यहां से छे दूनी बारह इसका डबल करते हैं हमेशा तो बारह ट्रेंगल यहां से मिल गए अब बारह मिलने के बाद आगे की कहानी सुन लो बारह मिल गए सबको ये तो सबको याद होगा कि सर ने बताया था स्क्वायर वाले में नंबर डालते हो डबल कर देते हैं तो बारह ट्रेंगल यहां से मिल गए अब बारह के बाद की कहानी समझो क्या होगा बारह के बाद की कहानी कुछ इस प्रकार है मेरे लाल बारह के बाद में कुछ नहीं करना है जैसे हमने इस लाइन को खींचा इस लाइन को खींचा तो इस लाइन को खींचते ही मेरे पास में क्या हुआ एक ये तेरवा एक ये चौदह और एक ये कंप्लीट पंद्रह ये मेरे यहाँ तक पंद्रह मिल गए पंद्रह मिलने के बाद में क्या किया जैसे मैंने एक लाइन और खींची तो मुझे ये वाला सोलह मिल गया जैसी मैंने इधर एक लाइन खींची तो मुझे ये वाला मिल गया और इन सत्रह के मिलने के बाद में क्या होगा सत्रह के मिलने के बाद में एक अठारह और एक ये उन्नीस कुल कितने ट्रेंगल मिल जाएंगे उन्नीस ट्रेंगल मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सबको कितने ट्रैंगल मिलेंगे उन्नीस ट्रेंगल मिलेंगे बारह ये मिल गए थे बारह के बाद में एक कौन सा था ये वाला था आपका जो छोटी छोटी लाइनों से बन रहा था ठीक है इस वाली पिक्चर के साथ में जब ये पिक्चर बन रही थी तो एक ये था तेरह एक ये था चौदह फिर एक ये था पंद्रह एक ये था सोलह सोलह के बाद में फिर एक ये कंप्लीट था सत्रह सत्रह के बाद में एक ये वाला अठारह और एक ये वाला उन्नीस ये आपके उन्नीस ट्रैंगल हो गए चलो आगे बात कर लेते तो हैं उनसठ निकालो जल्दी से इसका आंसर बताओ कितने आयत है फास्ट आयत गिनो आयत कितने आ रहे हैं जल्दी 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 मेरे लाल रुकना नहीं है अभी अभी बहुत कुछ करना है सात बज के आठ मिनट हो चुके हैं अपने पास चाहो ना चाहो बावन मिनट हैं और बावन मिनट में अपन चालीस क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं है ना निकालो इससे ये गलत हमेशा इसलिए हो रहा है विशाल तुमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा एक काम करना यूट्यूब पे सर्च कर लेना फिगर काउंटिंग बाई साहिल तिवारी इतना सर्च कर सकते हो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए इसकी एक ट्रिक की वीडियो भी मैंने कर रखी है दस मिनट की अगर ट्रिक की वीडियो चाहिए हो तो अभी रुक जाना आखिरी में मुझे याद दिला देना मैं ट्रिक की वीडियो दिखा दूंगा कहां पर है वो ट्रिक की वीडियो देख लो दस मिनट की वीडियो बस दस मिनट में पूरा फिगर काउंटिंग का ट्रेंगल काउंटिंग तो आई जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल छोड़ो ट्रेंगल काउंटिंग आ जाएगा दस मिनट में ये प्रॉमिस है दस मिनट में सिर्फ तो अगर चाहो तो देख लेना दस मिनट की वीडियो है मुझे आखिरी में याद दिला देना बता दूंगा कहां पर मिलेगी ठीक है लास्ट में इसमें क्या करना है देखो इसमें नंबर डालो एक दो तीन और चार तो चार तीन सात दो नौ और एक दस यहां से दस आयत मिले एक दो तीन चार पांच हो तो गया एक दस दस आए थे यहां से मिल तो दस और दस बीस और पांच पंद्रह कितने लेकिन पैंतीस में सोचो ये वाला मैंने दो बार गिन लिया एक बार इस साइड से गिना तब गिना एक बार इस साइड पर गिना तब गिना सेम मैंने ये वाला दो बार गिन लिया तो दो को माइनस कर दो 35 में से घटाओगे बचेंगे तो कितने आयत आ रहे हैं इसमें थर्टी इस थ्री सारे सारे बिल्कुल ठीक होंगे 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा तो जितने लोगों का आंसर थर्टी थ्री आ रहा है ऑप्शन सी आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है इक्कीस नहीं होंगे आराम से इसको निकालो कितना ट्राई करो कितना है जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर बताओ यार बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखकर एक चीज की जो कई सारे बच्चे ऐसे अभी तक टिके पड़े हैं लगातार और जो जज्बा जो जुनून है तुम्हारे अंदर वो सच बता रहा हूँ मैं तुमको ये सिर्फ तुम्हारे लिए मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ लेकिन जिस जुनून जिस जज्बे से तुम पढ़ रहे हो तुम अपना रिजल्ट देखना इस बार मिठाइयां बांटोगे तुम मिठाइया ठीक है समझ में आ रहा है तुम एकदम से एसएससी जीडी निकाल ले रहे हो फिर अगले महीने एम एस निकाल ले रहे हो अगले महीने तो सी आई एस एफ में चले जा रहे हो तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होगा सबसे पहले अपने को पूछ क्या कह रहे तीसरे नंबर पे कौन आया वो बता दो तो ये से शुरू हो रहे सारे बोले हाँ एल एम आर एफ जल्दी बताओ एल एम R और F. A, B, C, D के हिसाब से कौन पहले आता है बोले F. F पहले आता तो ये एक नंबर पे आएगा उसके बाद में आर एम और एल में दो नंबर पे आएगा उसके बाद एम और आर में कौन पहले आता तो नंबर पे, पे कौन आ जाएगा ठीक है, right है ना तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे बी जितने लोगों का आंसर आ रहा है वो सारे करेक्ट है चले दोस्त आगे बात कर लेते इकसठ का आंसर निकालो जल्दी से कितना इकसठ हुए प्रश्न का उत्तर बताओ दोस्त कितना आ रहा है तो ये कर लिया होगा बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग रुपी इसको करो कितना आएगा बी वाले काफी आ रहे हैं सेकेंड चर्चा कर ले देख ले, मुलाकात कर ले। अच्छा पहली बार तारीफ करी मैंने तुम लोगों की मतलब तुम लोगों के दिल में ये भी है बदले की भावना कि एक बार पेपर निकल जान तो है फिर बताएंगे हम तुमको फिर तुम कहते थे हमें है ना सही है इंतजार कर रहे हो तुम लोग देखो यहाँ पे क्या सब सी से शुरू हो रहे हटाओ सब में एच दे रखे हटाओ तीसरा अक्षर ए और ई e है तो पहले ए वाला आता है कि ई e वाले आते हैं ए बी सी डी में ए वाले आते हैं तो पहले ए आता है तो ए वाले कौन कौन है दो हैं फिर ए के बाद में आ रहे दोनों में और यहाँ पे जी और ए तो पहले ए आएगा फिर जी अब ये चेक कर लो ये तीनों में ई e है तीनों में ई e है तो ई e हटा दिया हमने फिर एम ए और सी एम ए और सी पहले कौन आएगा ए एम या सी तो ए आएगा तो ए तो आ गया उसके बाद एम और सी में से कौन आएगा एम आएगा तो सॉरी सी आएगा और फिर कौन आएगा एम आएगा दो एक चार पांच थी दो एक चार पांच थी ऑप्शन तो ए करेक्ट है ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वन इज द राइट आंसर इसको निकालो फास्ट जल्दी से बहुत जल्दी तीस सेकंड नहीं अब दस सेकंड में आंसर आ जाए इस क्वेश्चन का जल्दी मेरे लाल सिर्फ दस सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए इस प्रश्न का मैं सही बता रहा हूं मेरा गलत सूख रहा है लेकिन मैं उसी एनर्जी से चीख रहा हूं और एनर्जी कहां से मिल रही है तुमसे मिल रही है

उसके बाद में टी और एस में कौन आएगा बोले ऐसा आता है गुरुजी, तो आ जाएगा फिर टी वाले ऑप्शन नंबर डी लगाया है, है ना तो आप पूर्णतः गलत हो चुके हैं क्योंकि आप प्रश्न पूछ पढ़ना भूल गए प्रश्न के अंदर लिखा है विपरीत क्रम में लिखो रिवर्स ऑर्डर में लिखो रिवर्स मतलब उल्टा कर दो इसको समझ में आ रहा है? इसको उल्टा करके कई तो तो ए। तो ए तो बार हमको चीज तो आती थी लेकिन हम क्वेश्चन नहीं पढ़े और क्वेश्चन ना पढ़ने के चक्कर में आती हुई चीज गलत करके चले आए समझ में आ रहा है अपने पैरों पर पे कुल्हाड़ी मारना इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से जल्दी, जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर कितना बन रहा है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट कंफर्म थकान लगे तो बता देना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो थकना है नहीं अपने को चले चर्चा कर ले कितना आएगा ए बी सी डी देखो अपनी कक्षा में ऊपर से नौवे स्थान और नीचे से आठवे स्थान पर है तो ये क्या होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस वन आठ नौ माइनस एक सत्रह माइनस एक सोलह सोलह आ रहा है जल्दी बताओ जिसको नहीं पता उसको मैं बता दू कुल संख्या बराबर होती है टोटल बराबर होता है ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति माइनस एक और ये ऊपर नीचे की जगह लेफ्ट और राइट भी हो सकता है ठीक है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन भी होता है कोई भी दो छोर हो सकते हैं टॉप और बॉटम हो सकता है लेफ्ट और राइट हो सकता है आगे और पीछे हो सकता है कोई भी दो छोर हो सकते हैं ठीक है दो छोरों को जोड़ो और माइनस एक कर ऑप्शन नंबर ई सेवेंटी थ्री निकालो कितना आ रहा है, है, है? फास्ट इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्त जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर कितना है आठ बजे करंट अफेयर्स की क्लास है तो यहीं से चलेंगे क्या टेंशन ले रहा है तुम चाय वाय पी के आराम से भी है ना पकौड़ी खाओगे बिस्किट खाओगे चाय के साथ में ये बताओ क्या खाओगे पकौड़ी खानी है समोसा खाना है बिस्किट खाने हैं क्या खाने है चाय के साथ इस पर बात कर ले कितना आ रहे हैं देखो मेरे लाल अगर हम बात करें तो, यहाँ पर देखा मीनू अड़सठ मंजिल की इमारत के नीचे छठी नीचे से छठी मंजिल पर ऊपर से उसका तल ज्ञात करना है इसमें कब तुम गलती क्या करते हो टोटल बराबर कुल संख्या बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति माइनस एक तो तुमने क्या करना है तुम यहाँ पे कई बार गलती ये करते हो तुम अड़सठ प्लस छे माइनस एक करोगे लेकिन है क्या अड़सठ मंजिल की इमारत तो टोटल अड़सठ है नीचे से छठी मंजिल तो पर है तो बॉटम से छह पर है ऊपर से स्थिति याद करनी है टॉप से से नंबर निकालना है इसमें घटेगा टॉप से पोजीशन आएगी तिरसठ सिक्सटी क्लियर है आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ए वाले सारे ठीक है क्लियर है ए बिल्कुल सही है चाय नहीं पीते ये भी समस्या है ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है पकौड़ी मंगाने को कौन कह रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ खाओगे क्या हैं मंगा लो जो खाना है वो बना लो या ले आओ हैं ये कहना चाह रहा था मैं और जो भी लाओ वो मेरे लिए भी ले ली थोड़ा सा पकौड़ी मंगा ले लो देखो तो फरमाइश पकौड़ी खानी तो पकौड़ी ले आओ और मेरे लिए भी ले आओ इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से ये वाले आ रहे काफी जोश हाई मेरा तो <coughs> मैं पानी अब बाद में पीऊंगा अब तो खत्म करके पीऊंगा मैं मतलब आज बस ये मैं चाह रहा हूं मैं तुम्हारी क्लास को पूरा पढ़ा के पानी पीऊ इस पर बात करते हैं एक पंक्ति में संचित बाएं छोर से दसवीं और दाएं छोर से पंद्रवें नंबर पे तुमने तुरंत दस प्लस पंद्रह माइनस एक कुछ और देखना ही नहीं है आंखें बंद करके आंसर कर दो है ना चौबीस का आंसर आ चुका है लेकिन ये गलत है अगर तुम्हारा भी आंसर चौबीस आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी करके तुम अपने ऊपर तालियां बजवाना चाह रहे हो तो नहीं बजेंगी क्यों क्योंकि रीजन है रीजन ये दोस्त कि तुमने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा यहाँ पे देखा है एक पंक्ति में संचित बाएं छोर से इस नंबर पे दाएं छोर से इस नंबर पे इस पंक्ति में कितने लड़के हैं ये पंक्ति की कुल संख्या है चौबिस लेकिन ये लड़कों की संख्या इसकी कोई गारंटी नहीं है समझ में आ रहा है ये चौबीस कुल संख्या है लेकिन ये सिर्फ लड़के हैं इसकी कहां से गारंटी मिल गई तुमको या तो ये लिख के दे कि लड़कों की एक पंक्ति में या तो शुरू में ये लिखा हो कि लड़कों की एक पंक्ति में तब तो हमको पता है इस पंक्ति में लड़के ही होंगे लेकिन ये बताया नहीं उसने की लड़कों की पंक्ति है कि नहीं है जब ये बताया नहीं तो आंसर क्या होगा सी एन डी हो सकता है चौबीस हो लेकिन हो सकता है चौबीस ना भी हो आंसर कितना आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एन डी इज द राइट आंसर क्लियर हो रहा है तो ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना अभी देखो तुम अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम लोगों ने अभी पैंसठ क्वेश्चन करे हैं जितने भी क्वेश्चन करें दो चार क्वेश्चन तो गलत हुए होंगे और वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो गलती तुमको लगाओ कि तुमने गलती करी है तुमको लगाओ तुमने सही करा है लेकिन उसके बाद भी गलत हुआ पेपर में भी सेम चीज होती है हमको लगता है कि सर रीजनिंग तो मैं पूरे भीज करे आया मजा आ गया रीजनिंग जबरदस्त गई है लेकिन नंबर के टाइम पर नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि ये छोटी वाली गलतियां जो होती है पेपर में होती है और क्लास करने का आज की क्लास का तुमको फायदा पता है क्या मिलेगा तुमको कुछ और मिले ना मिले ये फायदा मिलेगा कि जो गलती तुम उस दिन पेपर में बैठ के पेपर वाले दिन करते वो गलती तुमने आज कर ली अब तुम वहां गलती नहीं करोगे समझ में आ रहा है और दो क्वेश्चन भी अगर ऐसे तुम्हारे बच गए जो वहां गलत होने थे लेकिन तुमने आज कर लिए हैं और तुम वहां अब नहीं करोगे तो यार चार नंबर बहुत होते हैं चार नंबर का मतलब समझ रहे कम से कम चालीस हजार बच्चे से ऊपर नीचे हो गए चार नंबर में कम से कम चालीस हजार बच्चे से ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छियासठ जल्दी से कितना आएगा ठीक है तो जल्दी से लाइक वाइक ठोक दो वीडियो पे कोई भूला भटका ऐसा जिसने अभी तक गुरु दक्षिणा ना दी हो तो अपने अंगूठे का प्रयोग करके वीडियो को लाइक कर सकते हो अपने फोन से है ना पड़ोसी का मिल जाए तो आज उससे भी कर देना ठीक है तो आज पड़ोसी के फोन से भी कर देना कहना ला कहना कि तुमको ना कुछ पुण्य काम करवाते हैं तो कह क्या करना है तुरंत कहना ला साहिल सर की वीडियो लाइक कर ले

दाएं से सातवां कौन सा है जब दोनों दाएं देता है तो वैल्यू तो प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं जल्दी बताओ जब दोनों एंड सेम हो तो वैल्यू प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं हमेशा घटाएंगे अगर दोनों दाएं देगा देगा घटा घटा देना दोनों बाएं दे देना तो दोनों दे दोनों दाएं दाएं दिए दिए तो बीस और सात को घटा दो बीस और सात को घटाओगे कितना आएगा तेरह आएगा दाएं से तेरवा दो दाएं से तेरवा दो कौन सा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह छह आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है चले दोस्त आगे की तरफ बात कर लेना है जल्दी से? 67 तो कर रखा होगा मुझे उम्मीद है तभी आयो क्लास में रिकॉर्डिंग पे जो देखेंगे इसको उनने नहीं रखा होगा तो रिकॉर्डिंग वालों तुम्हारे पास मौका है जल्दी से यू एक बार यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी और क्लासेस तुम्हारे लिए स्पेशल में लेकर आने वालों ठीक है जल्दी से ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा क्या तुम तो पढ़ के जा रहे रहे हो हो तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ेगा समझ रहे हो? होता क्या है ऊपर ऐसा होता है कि जो स्वर्ग में जाते हैं ना वो ज्यादातर मतलब अच्छे काम वाले होते हैं है ना फिर जो नर्क में जाते हैं वो बुरे काम वाले होते हैं तो जो नर्क में जाते हैं उनकी क्लासें लगती हैं और लेता कौन है वो क्लासें स्वर्ग वाले जो स्वर्ग में होते हैं है ना तो जो अच्छे काम करे होते हैं तो मान लो किसी ने कुछ वैसे पुण्य काम करे थे तो वो नर्क वालों को वो सिखाता है, रीजनिंग करे तो ऊपर तो 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 कर तो 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 लो तो स्वर्ग वाले वालों में रहेंगे समझ रहे हो चलो चर्चा कर बात कर लें कितना इसमें चल रहा है बाएं छोर से पांचवें सातवें और दसवें अंक का योगफल क्या होगा ठीक है बाएं छोर से पांचवें सातवें और दसवें अंक का योगफल क्या होगा बाएं छोर से पांचवां बोले तीन दो पांच सात और कौन सा दस चार दो छह पांच ग्यारह आ रहा है आंसर ऑप्शन सी थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है जितने लोग का आंसर सी बन रहा है थर्ड बन रहा है ऑल आर करेक्ट सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है अड़सठ का आंसर भगवान मैं मजाक कर रहा हूं मतलब सीरियस ना ले लियो कि ला तेरे को दिखाता हूँ क्या चलता है ऊपर गलती हो मजाक चल रही है तो है समझ लो चलो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर कितना होगा ए आर एस सी आर एस सी आर ए फर्स्ट थर्ड एडाइस का क्वेश्चन है अपने पास इस प्रश्न का उत्तर बताएं कितना आएगा चलो चर्चा कर ले कितना आएगा देखो मेरे लाल ओपन डाइस जिसको नहीं आता है तुम तो में से एक हाथ भूला भटका नया पुराना किसी भी प्रकार का ऐसा बैठा है या घर के अंदर कोई भी और जग चुका है और तुमको उसको सिखाना कि चलो तुम सीख लो ओपन डाइस को इसको कहते हैं तो उनको उठा के बैठा दो मोबाइल के आगे क्या सीख जाएंगे वो ओपन डाइस का इतना फंडा होता है ये हाथ की उंगली है बोले हाँ काटनी नहीं है ठीक है इस उंगली का क्या काम है इसमें देखो तीन हिस्से होते हैं तीन होते हैं नॉर्मल इंसानों में एक दो तीन अब तीन हिस्से हैं तो क्या करोगे जब भी इस उंगली को बंद करोगे तो पहला हिस्सा इसको दूसरा हिस्सा इसको नीचे वाला तीसरा हिस्सा तो पहला हिस्सा तीसरे हिस्से के सामने आ जाएगा इसका मतलब क्या कि पहला हिस्सा तीसरे हिस्से का ऑपोजिट होता है हमेशा याद रखना जब ओपन को क्लोज करते हैं तो पहला वाला तीसरे का ओपोजिट आता है बस इतनी लाइन याद रख लो अगर तुमको इतना याद हो गया कि पहला वाला तीसरे का ओपोजिट होता है तुम्हारा कभी ओपन डाइस गलत होगा ही नहीं याद है ठीक है पहला वाला क्या है तीसरे का ऑपोजिट है देख लो ये पहला वाला है बोले ठीक है तो ये दूसरा ये तीसरा तो दो का ऑपोजिट कौन बोले चार बोले ठीक है गुरुजी ये मान लो पहला तो ये दूसरा ये तीसरा तीन का ऑपोजिट कौन बोले पांच गुरुजी अब बचा हुआ जो रह गया वो आपस में अपोजिट एक का ऑपोजिट कौन छे अब एक चीज हमेशा याद रखो कि विपरीत फलक कभी साथ में दिखते ही नहीं है अगर हाथ की हथेली दिख रही तो पीछे का हाथ नहीं दिखेगा हाथ दिख रहा तो हथेली नहीं दिखेगी ये जैसी मैंने इसको बंद किया तो एक दिखेगा तो तीन नहीं दिखेगा तीन दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा विपरीत एक साथ दिखेंगे ही नहीं अगर विपरीत साथ में नहीं दिखेंगे तो दो और चार साथ में नहीं दिखनी चाहिए यहां दिख रहे थे तो नमस्ते कर दिया अच्छा तीन और पांच साथ में नहीं दिखनी चाहिए यहां दिख रहे थे नमस्ते कर दिया एक और छह साथ में नहीं दिखनी चाहिए यहां दिख रहे थे नमस्ते कर दिया आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाले सारे ठीक होंगे क्लियर है सबको तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे सेकंड इज द राइट आंसर समझ में आया जल्दी बताओ क्लियर हुआ पहला वाला तीसरे वाले का ऑपोजिट होता है ऑपोजिट निकाल लो ऑपोजिट साथ में दिखेंगे नहीं तो ऑपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए जो बच्चे का वो आंसर है ठीक है चलो आगे बात करते हैं उन, उन से उन आ, इसका आंसर निकालो जल्दी से वन का ऑपोजिट कितना होगा फास्ट 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 जल्दी से निकालो हम स्पीड में कर रहे हैं क्वेश्चन तुमको शायद पता नहीं है है ना पिछले पच्चीस मिनट के अंदर हमने लगभग बीस क्वेश्चन कर दिए समझ में आ रहा है तो अब बचे हुए तीस क्वेश्चन करने हमको कितने मिनट में लगभग तीस मिनट में कर देंगे ना तुम लोग साथ रहे तो कर देंगे निकालो इसका आंसर कितना आएगा दोस्त जल्दी से और लाइक वाइक कर लो यार पांच हजार लाइक के आज हम पास खड़े हैं और ये अपनी पहली क्लास होगी जिसमें लाइव में पांच हजार लाइक पूरे होंगे देखो मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत छोटा टीचर हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ तो मेरी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे आते भी नहीं है तुम्हें लोग आयो तुम लोग भरोसा कर रहे हो मुझ तुम्हें लोग विश्वास कर रहे हो और कुछ ज्यादा लोग तो करते नहीं मेरे पे भरोसा तो मेरे पास आज तक कभी ऐसा नहीं आया मौका मैं सच बताऊं जहां पे मेरी लाइव क्लास के अंदर पांच हजार लाइक पूरे हुए हूँ लेकिन आज है तुम लोग साथ दोगे तो शायद पूरे हो जाए हम चवालीस से ऊपर निकल चुके हैं तो लगभग पाँच लाइक या 6 साढ़े लाइक चाहिए तो कोशिश करना अगर हो जाए तो शायद ये दिन भी मैं देख लूँ आज है ना कि जहाँ मेरी लाइव क्लास में पाँच लाइक पूरे हो जाए चलो चर्चा कर लेते हैं इस पर कितना आएगा आ, समझ लेते हैं देख लेते हैं मुलाकात कर लेते हैं बात कर लेते हैं कितना आ रहा है दोस्त है ना यहां देखो वन का ऑपोजिट बताना है, इन दोनों में कॉमन चेक करो कितना है जब भी डाइस का क्वेश्चन आए ये देखा करो कॉमन कितने दोनों के अंदर बोले गुरु जी कैसे आएगा छियासठ को रिपीट कर दूँ अभी कर दूंगा मेरे लाल इन दोनों में आपने देखा कॉमन कौन सा है बोले गुरु जी कॉमन इन दोनों के अंदर छह तो दोनों में मैंने कहा बोले तीन दोनों में मैंने कहा जब ये दोनों कॉमन है बोले हाँ तो जो बचेगा वो अपोजिट होगा याद रहेगा ये काम जल्दी बताओ जब दो कॉमन होते हैं तो जो बचता है वो अपोजिट होता है जल्दी बताओ मेरे लाल याद रहेगी ये लाइन जब दो कॉमन होते हैं तो जो बचेगा वो आपस में क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं तो वन का ऑपोजिट क्या हो गया टू हो गया बात खत्म ठीक है वन का ऑपोजिट कितना हो गया टू हो गया इसको और निकाल लो फिर मैं उसको बताता हूं तुमको जल्दी से बताओ इसका कितना आएगा इसको और निकालो कितना आ है अरे लव यू टू मेरे लाल जल्दी से बताओ भाई कितना आएगा जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। एक क्वेश्चन करेंगे छियासठ छोटा मोटा छियान ले कर लो फिर ले दोनों तो को हमने कॉमन चेक किया बोले गुरु इसमें दो कॉमन तो है नहीं मैंने कितना कॉमन है एक कॉमन है जब कभी भी एक कॉमन हो तो तुमको तरीका बता दो करने का क्या घड़ी की सुई में चला करो तीन से पांच तीन मिला फिर पांच मिला पांच से आगे बढ़े तो एक मिला सेम दूसरा वाला तीन तीन के नीचे लिखा करो तीन से आगे बढ़े तो दो मिला और दो से आगे बढ़े तो छह मिला जो जिसके नीचे आएगा वो उसका ऑपोजिट है एक का ऑपोजिट छे हो गया पांच का ऑपोजिट दो हो गया छह का ऑपोजिट एक हो गया दो का ऑपोजिट पांच हो गया एक का पूछा छह आंसर हो गया समझ में आया जब एक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घूमना है जब दो कॉमन हो तो बचे हुए ऑपोजिट होते हैं बात खत्म ठीक है ओपन डाइस बता दिया मैंने कैसे करना होता है, सा है? सात सा है? है? जब दोनों दाएं छोड़ देगा तो घटा देते हैं तेरह बचेगा दाएं से तेरवा गिनना है तुमने ना इस डॉट को नहीं गिना होगा मेरे लाल देखो मैं गिन के दिखा देता हूँ तुमको एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये है पांचवा यह डॉट भी गिना जाएगा छठा फिर सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवा

था नहीं ना इसके लायक था जितना तुमने एकदम से मुझ पर भरोसा किया क्योंकि मैं अभी अभी एस पढ़ाना आया था यू ऑनलाइन के अंदर सेप्टेम्बर में मैंने एस की शुरुआत की थी ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने कभी ऑनलाइन में एस नहीं पढ़ाया था लेकिन उसके बाद जो तुम लोगों ने मेरे को प्यार दिया साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लव यू ऑल यार सबको चलो भाई इस पे बात कर लें कितना आएगा गुणा, एक छोटी सी पर्ची बनाओ और पर्ची बना के अपने दिमाग में फीड कर लो क्या होगा ये होगा बोले कैसे गुरु जी अब कर रहा है क्या कुछ नहीं करना ग्यारह बटा दो गुणा मिनट में जितने मिनट बोले तीस मिनट तो तीस माइनस तीस गुणा घंटे घंटे वाली सुई किस पे होगी बोले दो पे होगी तो दो ठीक है अब यहां पे बात कर लेते कितना आएगा बोले दो से काटो बोले दो ही कम दो एक बच्चे का पांच दो पंचायत दस पंद्रह और ग्यारह की गुणा एक सौ पैसठ माइनस में तीस दूसरी साठ कितना आ जाएगा? 105. जाएगा? 105 आंसर आ जाएगा एक सौ पांच कितना उत्तर होगा मेरे लाल एक सौ पांच डिग्री आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी सबका आ रहा है जल्दी बताओ डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फोर्थ वन इज द राइट आंसर डी जितने लोगों लोग आ रहा है वो सारे करेक्ट है चले भी दोस्तों आगे और बात कर ले बहत्तर पे इसका आंसर निकालोगे जरा जल्दी से निकालो मेरी भाई देखो मैं तुमको बताऊं कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहा हो आप चाहे मुझसे पढ़ रहे हो आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो यहाँ एस एस सी पे पढ़ रहे हो या एस एस सी अड्डा पढ़ रहे हो या बाहर किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हो कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ना लाइफ के अंदर बोल रहा हूँ मैं जरूर मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं तो अभी शुरू किया हूँ यार मैं तो बहुत छोटा टीचर हूँ मैं एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ कभी भी किसी टीचर से अगर पढ़ना ना तो सबसे पहली चीज़ अगर तुमको सीखना है उससे कुछ तो ट्रस्ट कर लेना उस पर भरोसा अगर तुमको उस पर भरोसा है तुमको उस पर ट्रस्ट है तो उसकी समझाई हुई चीज़ भी तुमको समझ में आएगी और उसका पढ़ाया हुआ तुम्हारे काम भी आएगा और अगर तुमको उस टीचर पे ट्रस्ट नहीं है तुमको हर चीज़ पे ये लगता है अरे यार ये क्यों पढ़ा रहे हो अरे यार ये क्यों बता रहे हो अरे वो क्यों नहीं करा रहे हो अरे ऐसे क्यों करा रहे हो अगर तुमको उस टीचर पे भरोसा नहीं है तुमको ये लग रहा है अरे ये ऐसा तो कभी भी ना तो उनका पढ़ाई हो तुम्हारे काम में आएगा ना कभी भी उनका पढ़ाई हो तुम्हारी समझ में आएगा कोई भी टीचर हो सिंपल फंडा जिंदगी में तुम अपने अपने घर आस में ही देखते हो गए जिन पर तुमको भरोसा है उनकी हर बात अच्छी लगती होगी जिन पर नहीं है उनके कहते हो कि अरे हर टाइम ऐसे ही बोलता रहता है तो पॉइंट यही है ट्रस्ट का बहुत बड़ा गेम है तो कभी भी किसी से सीखो तो ट्रस्ट करो उस पे तब सीखो मत सीखो ठीक है चलो इस पर चर्चा कर ले कितना पैंतालीस भी 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 तो अब कई लोगों के दिमाग में आएगा क्यों घटाते हैं तो अगर क्यों जानना है क्यों घटाते हैं उसके लिए क्लॉक की क्लास देख लेना मेरी क्लॉक वाइस अहिल तिवारी सर्च करना यूट्यूब आ जाएगी वो देख लेना ठीक है ये होता है तरीका इसका मिरर इमेज का वहीं अगर कोई कहता है वॉटर इमेज बताओ जल प्रतिबिंब बताओ तो वाटर इमेज निकालने का सिंपल तरीका होता है वाटर इमेज के लिए अट्ठारह अट्ठारह तीस से घटाते हैं सेम पॉइंट आता है कि यहां पर भी दिमाग में आ जाए कि क्यों घटाते हैं से भाई और किसी से क्यों नहीं घटाते तो वो क्यों, क्यों जानना है तो क्लॉक वाली क्लास देख लेना उसमें बताया मैंने डिटेल में ठीक है अभी बात कर लेते हैं इस पर दस पैंतालीस अपने को क्या करना ग्यारह साठ से घटाना है बोले ठीक है गुरु जी घटा देंगे ग्यारह साठ से घटाए तो यहाँ पंद्रह बच्चा बोले ठीक है यहाँ पे कितना बच्चा एक बच्चा तो एक पंद्रह आंसर आ जाएगा क्लियर है मेरे लाल जल्दी बताओ एक पंद्रह वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वन इज द राइट आंसर क्लियर है जल्दी बताओ हाँ अरे लव यू मेरे शेर चले भाई आगे चलो बहत्तर के बाद तिहत्तर पे बात कर लेते हैं सेवेंटी थ्री उनचास चार हजार नौ सौ सत्रह लाइक हो चुके हैं है ना अपने आप में एक कीर्तिमान है मेरे लिए और वैसे लगभग अस्सी के आसपास कम है पाँच हजार होने में चलिए इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है

अच्छा एक एक चीज़ मैं इसी में सीमा और पूछना चाह रहा हूं तुमसे मान लो ये अट्ठारह तीस से घटाना था और मैं तुमसे कहता एक टाइम ले लेता हूं मान लो दो बज के चालीस मिनट का ठीक है दो बज के चालीस मिनट का निकाल के दिखाओ मुझे वाटर इमेज जल्दी से जल्दी से निकाल दो, दो चालीस का निकाल दो, दो चालीस का वाटर इमेज निकाल के बताओ कैसे निकलेगा क्योंकि तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे वरना तो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है पक्का 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 मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ होती है मेहनत पता नहीं चलता कि कब आदमी को सफल बना देती है तुमको लगेगा कि यार ये तो बेकार जा रहा है ये तो ऐसा जा रहा है तो वैसा जा रहा है बट ऑटोमेटिकली तुम सफल हो जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा है ना चले झागलें तो पहले तो यार तुम सबका दिल से धन्यवाद सच में आ, तुम सबका दिल से धन्यवाद बहुत सारा सा प्यार मेरी तरफ से तुम सबको जो आज ये पाँच हज़ार एक में देख पा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर लाइक की संख्या है ना तो सबको दिल से बहुत सारा प्यार अच्छा इस काम के लिए एक काम करना तुम सारे लोग जो मेरी तरफ से तुमको करना है छोटा सा काम कर दोगे पहले ये बताओ तब तो मैं काम बताऊँ इस जो पाँच हज़ार लाइक पूरे हुए हैं तो मेरी तरफ से एक छोटा सा काम कर दोगे हाँ या ना इसका मैं आंसर बता रहा हूँ अभी जल्दी बताओ पहले एक छोटा सा काम है बहुत और वो काम करके मेरे को कमेंट में बताना है कि हाँ सर कर दिया मैंने मैंने तो कर दिया बाकी को पता नहीं मैंने कर दिया अपनी तरफ से छोटा सा काम है मतलब अभी किस ज़्यादा लोगों का हाँ आ नहीं रहा जब आएगा हाँ तो बताऊँगा मैं ठीक है तो मेरे को बताना आ, जब कर सको तो मेरे को बताना मैं उस पर चर्चा जरूर करूँगा हो जाएगा चलो तो काम सिर्फ इतना सा है कि जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे एक प्रथा चलती है शायद आप सबके यहाँ पे ही होगी हमारे भारत की संस्कृति में ये है कि जब भी थोड़ा सा कुछ हम अच्छा करते हैं या कुछ अचीव करते हैं कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है एक भगवान के आगे मत्थर टेक लेते हैं दूसरा घर के अंदर सबके पैर छूते हैं होता है ना ऐसा कुछ भी कर लिया तुम सिलेक्शन लोगे सबसे पहले पापा मम्मी के पैर छूओगे भगवान के आगे हाथ जोड़ लोगे

तो उन सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए तुम्हें नहीं अभी मेरे को भी चाहिए थोड़ा ठीक है तो ये मेरा हक है तो वो आशीर्वाद मेरे लिए लेके तुम लोग मेरे को दोगे कि हाँ साहिल सर आपके लिए हमने आशीर्वाद ले लिया है ठीक है इतना ऐसा काम करना है मेरे लिए हो जाएगा और इतना सा काम करके आप लोग कमेंट बता देना हाँ सर आपकी तरफ से कर दिया चाहे नमस्ते कर देना मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना पैर छू लेना कुछ भी करना लेकिन ये मेरी तरफ से सबको करना है जब तुम इक्यावन सौ लाइक कर सकते हो तो ये काम भी मेरे लिए करके दोगे बस वो आशीर्वाद मुझे चाहिए क्योंकि ये इक्यावन सौ को मुझे इक्यावन लाख में तब्दील करना है एक दिन आज अगर इक्यावन की हम खुशी मना रहे हैं तो तुम सब हो जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हो इक्यावन लाख भी होगा एक दिन बड़ी बात बोल दी मैंने बहुत लेकिन होगा आज ना सही चालीस साल की उम्र में करूँ लेकिन कर दूंगा मैं ठीक है लेकिन उसके लिए आशीर्वाद चाहिए बहुत बड़ी ताकत होती है आशीर्वाद में क्योंकि आज मैं उसी आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ वरना कुछ नहीं था मैं कली में घूमता था ठीक है चलो तो इतना काम मेरे लिए कर देना चलो चलिए अब बात कर लेते हैं और मुलाकात कर लेते हैं इस चीज को लेकर यहाँ पे जब हमें दो चालीस का निकालना है आप समझते हैं इस क्वेश्चन को अगर मान लो मेरे को दो चालीस का क्या निकालना है मेरे को दो चालीस का अट्ठारह तीस से घटाना है अब ये बताओ तीस से चालीस घटेगा क्या ये कि मैंने क्यों बताया उसका एक रीजन है उसका ये रीजन है कि से तो गुरुजी घटेगा ही नहीं अब जो नया बच्चा होगा वो कंफ्यूज होगा जो पुराना सीख चुका है वो तो ठीक है लेकिन जिसको नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या करूं गुरु कैसे घटाऊं तीस से चालीस नहीं घट रहा है ना तो अगर नहीं घट रहा तीस से चालीस तो कैसे करना है तो अगर हम बात करें कैसे करना है तो एक चीज समझो जब भी हम पहले कभी भाग करते थे घटाना करते थे कैसे घटाते थे याद है ना त्रासी में से मान लो चौतीस घटाना होता था तो क्या करते थे आप आप कहते थे इससे उधार ले ले लो एक ले लिया हासिल बन गया तेरा में से चार यहाँ एक कम हो गया में से तीन गया चार ऐसे करते थे ना करते थे याद है बचपन में तो वही तो तो वही करोगे उधार ले लो इससे तो ये कहेगा भाई मैं कम से कम एक घंटा दूंगा बोला ठीक है एक घंटा दे दे जब इसने एक घंटा दिया तो एक घंटे में साठ मिनट होते हैं बोले हाँ तो साठ मिनट इसमें जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा तीस और साठ नब्बे और यहां से एक घंटा कम हो जाएगा तो कितना बचेगा सत्रह तो दो चालीस को घटा दो आंसर आ जाएगा नब्बे में से चालीस घटाओगे पचास सत्रह में से दो घटाओगे कितना बचेगा पंद्रह बचेगा पंद्रह किसको बोलते हैं सत्रह नब्बे भी अट्ठारह तीस ही है बस इसको इधर साठ और एड करके लिख दिया साठ कम कर दिया बस ठीक है इतना काम चले लाल इसका आंसर निकालो चौहत्तर नंबर का अब बताओ क्या कह रहे थे सब लोग पढ़ना भी जरूरी है बीच बीच में बहुत बहुत धन्यवाद जिस जिसने अभी बोल दिया है उसके लिए है ना लव यू यार सबको बहुत सारा सा प्यार मेरे लाल जीवन में सच बताऊ तुमको दो ताकतें बहुत बड़ी हैं एक तुम जिसको भी मानते हो भगवान को ईश्वर को अल्लाह को गुरु नानक देव को जिसको भी मानते हो वो ताकत बहुत बड़ी है बहुत बड़ी और दूसरा माता पिता और इसमें माँ तो एक ऐसी ताकत है जो सच में तुम मतलब सोच ही नहीं सकते सोच ही नहीं सकते सोच से परे तुम्हारी जिस काम को तुमको ये लगेगा मुझसे होगा ही नहीं और तुम बस मम्मी से बोलते ना कि मुझसे हो नहीं रहा और अगर उनने ठान लिया तो तुम ना करने वाला काम भी कर जाओगे बहुत बड़ी ताकत है मां इस पर बात कर लेते पांच पचास चौवन का हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है पांच बजकर पचास मिनट और चौवन सेकेंड ठीक है अब कैसे निकालेंगे समझो अपने को बताए सर ग्यारह साठ से घटाते हैं तो जब हम ग्यारह साठ से घटाते हैं तो उसमें सेकंड जीरो होते हैं मानते मानते हो हो कि नहीं अरे ग्यारह साठ से घटा रहा हूं तो उसमें जीरो है लेकिन अब मुझे सेकंड भी चाहिए तो भैया मैं मिनट इधर दे दूंगा और एक मिनट में साठ सेकंड होते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बोले साठ सेकंड होते हैं तो एक मिनट में अगर साठ सेकंड होते हैं तो साठ सेकंड इधर लिख दो तो एक मिनट इधर कम हो जाएगा एक मिनट इधर कम कर दो तो उनसठ मिनट रह गए ग्यारह साठ को मैं ये लिख सकता हूं ग्यारह उनसठ साठ अरे ग्यारह बज के उनसठ मिनट साठ सेकेंड ग्यारह साठ ही तो है बस इसको मेरे कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में खत्म साठ बस... में से चौवन घटाओगे छः बचेगा उनसठ में से पचास घटाओगे के नौ बचेगा और पाँच में से ग्यारह में से पाँच घटाओ कितना बचेगा ग्यारह में से पाँच घटाओगे छः बचेगा बस छः बज के नौ मिनट छः सेकेंड ऑप्शन नंबर बी क्लियर है मेरे लाल सेकेंड वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है सेकेंड आ रहा है ऑल आर करेक्ट बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है चले लाल आगे चलो इसका आंसर निकालो जरा सेवेंटी फाइव का जल्दी से होता कितने लोग इसका आंसर कर पाओगे ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं तुमको जो मैंने चैप्टर के टाइम पे पढ़ाए थे उन बच्चों को याद होगा जिन्होंने क्लॉक का चैप्टर वाली क्लास करी थी वरना ये तुमने जल्दी देखे नहीं होंगे किसी को पढ़ाते हुए मेरे लाल निकाली हुई कितना आ रहा है दोस्त जल्दी जल्दी ग्यारह साठ से ही क्यों मैंने ये चीज़ बताई थी अभी शिल्पी अगर आपने शायद सुना नहीं मैं फिर याद दिला देता हूँ अगर आपको इसके रीजन जाना देखो रीज़न पे बात करूंगा तो एक घंटा लग जाएगा इसलिए मैं अभी रीजन पे बात कम कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा अगर आपको रीजन जानना है तो आप क्या करो यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लॉक वाइज आइए तिवारी मैंने हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है एक एक चैप्टर मैंने पूरा पेड बैच अपना फ्री पढ़ाया है इन बच्चों से पूछना जो पढ़े हैं और आपने जहां कहीं कभी पेड बैच ले रखा हो एक बार जो भी चैप्टर मैंने इसमें पढ़ा रखा है उससे कंपेयर कर लेना आपके पेड बैच से ज्यादा मिलेगा इस YouTube क्लास में बस ये है कि मेरी YouTube क्लास है फ्री क्लास है तो उसकी वैल्यू कम है पेड होती तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है पंजाबी सुना दू पंजाबी मैं सुनता जाता हूँ सुनाता कम हूँ सात चालीस अभी मैं मूवी देख के आया था वार्निंग टू पंजाबी संडे को सात बज के चालीस मिनट का अब देखो जब भी तुमसे कभी मिरर इमेज पूछा हमको पता है ग्यारह साठ से घटाते हैं लेकिन इसमें एक चीज याद रखो

और जैसे ही वो संख्या विषम हो जाएगी ऑड नंबर में चली जाएगी तब एक बार ग्यारह साठ से घटा दोगे तब जो चार बीस आएगा वो आंसर आ जाएगा आ रहा है समझ में क्या करना होगा अगर यहीं पे अट्ठारह होता तो आंसर चार बीस होता यही अठारह है तो आंसर सात चालीस है यही अट्ठारह सो तिरासी होता तो आंसर चार बीस होता यही अठारह सो चौरासी हो जाता आंसर सात चालीस हो जाता याद रहेगा अगर नंबर ऑफ मिरर जो देगा वो इवन नंबर है तो जो टाइम दे रखा है वही आंसर है और अगर नंबर ऑफ मिरर जो है वो और नंबर है तो फिर क्या करेंगे एक बार ग्यारह साठ से घटा के आंसर कर देंगे फिर चाहे वो लाखों में हो संख्या चाहे वो एक लाख एक हो एक लाख एक होगा तो एक बार ग्यारह से ग्यारह साठ से घटाना है एक लाख दो होगा मत घटाओ जो है वो आंसर है ये नई चीज पता चल गई अगर नई चीज पता चली हो तो एक बार जल्दी से बता दो मेरे को है ना कि हाँ सर मजा आया कुछ नया सीखने को मिला जो लोग नए आए हो गए आज कि हाँ सर पहली बार आया था आपकी क्लास में और हाँ चलो कुछ तो नया बता दिया आपने कुछ तो नया सिखा दिया तो पढ़ा ही नहीं था मैंने कहीं पेड बैच में भी नहीं पढ़ा था मैंने इसको निकालो कितना आ रहे जल्दी से भाई बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जल्दी 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 जल्दी, जल्दी इसका आंसर बताओ भाई दोस्त कितना आएगा लास्ट क्वेश्चन अवधि में इस पे बात कर लेते हैं अवधि में मतलब अवधि क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश की तो भाषा ही ऐसी है है ना हर जगह पे एक नई तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा है ना चलें देख लें जाए कैसे करेंगे देखो तो में का दे रखो में एक तो जू है जू में कहा है हिरन है और मोर है अब हिरन के पैर होते हैं मोर के दो पैर होते हैं जान तो हो गई एक तो जायकरण को तरीका है कि तुम जामे मान लो एक को हिरन को एक्स मान लो है ना मोरन को बाई मान लो तो उन दोनों को जोड़ के उनकी सिरण की संख्या लिख लो तो एक बार दोनों उनके पैरन की संख्या लिख लो तो उन इक्वेशन को सॉल्व इक करो एक्स और बाई की वैल्यू निकाल लो जो पहलो तरीका है वो लेकिन जाय तरीका से मत करियो बहुत लंबो तरीका है जायकरण को एक छोटो तरीका बता रहे हम तुमको का तरीका देखो का करो करो एक सिर की जगह पे लिख करो लिख लिख जो सिर देंगे वे करने का होता है समझ लो स्टेप आंसर लिख रहे हो लेकिन स्टेप समझ लो बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे तुमको फिर बाद में रिपीट रिपीट लिखो सिरन की गुणा दुई सौ दुई से करनी है तो कितनी चार सौ हो गई और पैरन की पे पैर लिख लिख कितने को भाग दुई से करनी है हर क्वेश्चन में

तो कुल कितने का पूछे तुमसे तो मोर पूछे मोर कितने आएगा गए घर के डेढ़ सौ आए गए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही है डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है फोर्थ वन इज द राइट आंसर क्लियर है बहुत छोटे तरीका अगर समझ में आएगा तो जामे लगा के दिखाओ जल्दी से करो कितो आ रहे जावारे में करके दिखाओ जल्दी से कितना तो आवे जल्दी, जल्दी 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 मेरे लाल

मैं कहाँ का रहने वाला हूँ यूपी से हूँ मेरे लाल यूपी में रामपुर और बरेली के बीच उत्तर प्रदेश रामपुर जिसको शायद आप आजम खां के नाम से जानते होंगे और बरेली जहाँ की आपने बर्फी या झुमका देखा होगा हाँ मैं अभी बचे हुए सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा परेशान मत दो पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसको निकालो भाई बाकी अगर क्लास पसंद आई हो बाकियों को भी जो बाद में आए तो वीडियो लाइक कर लेना

2014 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा गए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पूछ रहा है मैं तुमको फिर एक चीज याद दिला दूं कि कैलेंडर के क्वेश्चन अब एग्जाम्स में नहीं आया करते हैं अब एग्जाम में कैलेंडर नहीं पूछता है तो इस पर टाइम मत खराब करना कि कैलेंडर ही पढ़ते रहे हम तो सर दो दिन तक हमने अपने दो दिन खराब कर लिए कैलेंडर पढ़ने के चक्कर में कैलेंडर इतना नहीं पढ़ना है थोड़ा बहुत याद रखो कि रिपीट कब करता है बेसिक याद रख लो ठीक है बस ए आर है हाँ यूपी पुलिस के लिए भी कर सकते हो कोई ऐसा नहीं है नुकसान थोड़ा देगा चलो चर्चा कर ले कितना लखनऊ से अरे वाह! लखनऊ में कहां से मेरे लाल दो हजार चौदह देखो हमेशा छह साल के बाद रिपीट करेगा लिपियर प्लस टू जो होगा लिपियर प्लस टू ये हर ग्यारह साल के बाद रिपीट करेगा और लिपियर प्लस थ्री भी ग्यारह साल के बाद रिपीट करेगा अब कहोगे सर लिपियर प्लस फोर तो लीपियर प्लस फोर फिर से लिपियर होता है लीपियर प्लस फोर क्या होता है लीपियर होता है हर चार साल के बाद आएगा जैसे दो हजार चौबीस लिपियर चल रहा है अब मैं कहूँ लीपियर प्लस फोर दो हजार फिर लीपियर दो हजार बत्तीस फिर लिपियर तो लीपियर प्लस फोर लीपियर बनता है ठीक है 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 तो ये इनका होता होता कौन सा होता है? जो चार से कट जाए वो ईयर की बात करें तो और अगर सेंचुरी दे शताब्दी दे तो चार सौ से कटनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे दो हजार चौदह की बात कर रहे हैं ये लिपियर तो है नहीं चार से नहीं कटेगा तो इसके पहले कौन सा लीपियर रहा आपको सर दो हजार बारह लीपियर था तो ये बन गया बारह प्लस दो मतलब लिपियर प्लस टू

फास्ट 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 ओके कैलेंडर सिलेबस में सबके दोस्त बेसिक कैलेंडर पूछता है कैलेंडर इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना कि हम उसके लिए दो तीन दिन खराब करें मेरा ये कहने का मतलब है क्योंकि 2017 18 19 के बाद से कैलेंडर हर एक एग्जाम में कम कर दिया पूछता ही नहीं है कभी भूला बट किसी में ऐसे पूछ लेगा कि आज सोमवार है तो बताओ शनिवार कब पड़ेगा या आज सोमवार है तो बताओ कितने दिन पहले शुक्रवार रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है तो उनके लिए हम दो दिन तीन दिन खराब नहीं करेंगे ठीक है चलो निकाल में कितना आ रहा है चलिए चर्चा कर लें पंजाब कब आऊंगा पंजाब मेरे को आना है मैं मेरा बहुत मन है गोल्डन टेंपल जाने का और बहुत ज्यादा मन है तो मैं बहुत जल्दी पंजाब जाना है पुणे झांसी से बड़ा है तो पुणे किससे बड़ा है झांसी से तो ये पुणे हो गया जो बड़ा है किससे झांसी से ये झांसी हो गया आगे देखा सीतापुर चित्तौड़ से भी बड़ा है सीतापुर बड़ा हो गया चित्तौड़ से ये सीतापुर जो बड़ा हो गया किससे चित्तौड़ से आगे देखा रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है रायगढ़ जो है झांसी से छोटा है ये रायगढ़ हो गया तो झांसी से छोटा है अच्छा झांसी से छोटा है ना तो रायगढ़ झांसी से छोटा हो गया अब क्या दे रखा है लेके सीतापुर से बड़ा है रायगढ़ झांसी से छोटा सीतापुर से बड़ा है यहां लगा दो सीतापुर यहां लगा दो और चित्तौड़ यहां लगा दो ये बन रहा होगा जल्दी बताओ यही बन रहा है सबका पूछा क्या है सबसे छोटा कौन है चित्तौड़ तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी थर्ड वाले सारे ठीक है जितने लोगों का आंसर सी बन रहा है थर्ड बन रहा है ऑल आर करेक्ट सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है क्लियर है मेरे लाल जल्दी बताओ तो सी वाले जितने आ रहे थर्ड वाले जितने आ रहे सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जा रहे क्लियर है मेरे लाल जल्दी से अच्छा इसका और आंसर निकालो तभी हम तुमको बताते हैं कि क्या करना है इसका और आंसर बताओ, जल्दी से, फास्ट। ये सारी क्लास एयरफोर्स के लिए है मेरे लाल कुछ अलग नहीं है बिल्कुल 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 आप सभी साथ चलना ओके 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 हरदोई से हैं आप रायगढ़ ओके okay. राजस्थान राजस्थान भी बहुत अच्छी जगह है एक चीज़ तो है अपने भारत में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ मतलब आप जाए और आपको कुछ अलग ना मिले हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो वाकई में देखने लायक है और मेरा बहुत मन है मतलब मेरा कभी ऐसा मन नहीं है कि मैं कहीं फॉरेन कंट्रीज जाऊं मेरा मन है कि मैं भारत के सारे राज्यों में जाऊं मैं कहाँ के रहने वाला हूँ प्लीज़ बरेली में कहाँ पर रहते हैं हम शाहजहाँपुर से हैं जैसे शाहजहाँपुर से आप मैं बरेली में मतलब मैं बरेली में पढ़ा हूँ एस आर एम एस कॉलेज है तो वहाँ से मैंने अपनी बी टेक कम्प्लीट किया है है ना तो बरेली में मेरी मतलब जो मौज मस्ती के दिन थे वो निकले पिता पुरुष और पायलट बरेली में मेरा थोड़ा रिकॉर्ड वैसा ही है पिता पुरुष और पायलट कॉलेज वाले टाइम का तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुरुष हो गए पुरुष में सारे पिता आ जाएंगे और पायलट ये बन जाएंगे कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है सी इज़ द राइट आंसर तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है थर्ड आ रहा है ऑल आर करेक्ट हाँ कि ना जल्दी बताओ मेरे लाल एक परसेंट है खत्म चलो तुम्हारे लिए कुछ और करते हैं हम एक काम करना ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है अभी का मतलब जो तुमको कमेंट में तुरंत करना है ठीक है और दूसरा होमवर्क मैंने तुमको पहले दे दिया था कि सबको बताना है जिन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद मांगा है वो सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आपके लिए आशीर्वाद ले लिया है तो दो काम हो गए तीसरा काम इसकी मैं PDF कर तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते क्लियर पलट इतना काम हो जाएगा तो अभी कोई रखते हैं कल नौ से बारह की क्लास लूंगा तो कल नौ से बारह की क्लास में ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस इसके ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आज वो दोनों टॉपिक नहीं कराए मैंने आगे थे वो बट अभी यार करा नहीं पाया मैं सच बताऊ तो ये देखो ये सारे के सारे वही है डायरेक्शन के क्वेश्चन थे डायरेक्शन ब्लड रिलेशन यही सब था बट मैं वो करा नहीं पाया ये मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ अभी ठीक है तो ये सब तुमको होमवर्क के लिए रहेगा ये तुमको करना है अच्छा किसी को टेस्ट सीरीज या पीएम पॉकेट बुक लेनी है तो एक काम करना गूगल पर जाकर सर्च करना अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन वहाँ से अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर अच्छा फिगर काउंटिंग की ट्रिक की वीडियो चाहिए जल्दी बताओ दस मिनट की ट्रिक की वीडियो दस मिनट में सारा फिगर काउंटिंग याद हो जाए अगर चाहिए तो एक काम कर लो उसके लिए गूगल पर सर्च कर लेना है एस एस सी अड्डा जहाँ पर तुम लोग ये क्लास देख रहे हो अरे गूगल पर क्या कर सर्च करोगे तुम तो ये क्लास देख ही रहे हो तो मैं तुमको बता दूँ अगर वो ट्रिक की वीडियो देखनी है तो एक काम करो जहां पे आप ये क्लास देख रहे हो एस अड्डा के चैनल पर उसी चैनल के ऊपर ये देख रहे हो इसी चैनल के ऊपर ये वीडियो का कॉलम आता है होम के बराबर है वीडियोस इस वीडियोस इस में जाना इस वीडियोस के कॉलम के अंदर सबसे पहली वीडियो है त्रिभुजों की गिनती ये वीडियो देख लो जाके ये दस मिनट की वीडियो है सारे के सारे ट्रेंगल याद हो जाएंगे सारे के सारे ट्रेंगल निकालने सीख जाओगे दस मिनट में ठीक है सारे के सारे एक बार देख के बताओ मुझे कैसी लगी है ईमानदारी से इसके लिए गूगल पे और इस पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर चल जाओ ऑल कोर्स में जाओ गवर्नमेंट जो एग्जाम यहाँ से मान लो जी डी 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 पे आए हम और हमको मान लो टेस्ट सीरीज लेनी है है ना तो टेस्ट ये है तो तो संकल्प बैच लेना लगाना लेकिन टेस्ट के लिए वाई दो में और लगा दोगे तो लगाया तुमको कितने की मिल जाएगी सतहत्तर रुपए में पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है मेरे लाल ले लो जल्दी से और सबसे अच्छी बात इसमें सात किताबें मिल रही हैं टेस्ट सीरीज के साथ रही है तुमको हिंदी की बुक रफ्तार रीजनिंग की बुक जीके जीएस की बुक मैथ की बुक सब मिल रही है सातों किताबें साथ में मिल रही है तो मैं तो मैं कह रहा सतर में टेस्ट सीरीज ले लो किताब भी इसी में और मान लो किसी को पीएम पॉकेट बुक मंगानी है अपने घर पे तो नीचे आओगे और ये तुम्हारी जीके जीएस की पीएम पॉकेट है इस पे जाओगे इस पे जाने के बाद वाई नाउ पे जाओगे और यहाँ एंटर कूपन कोड में फिर लिख दोगे वाई टू सेवन फोर एस एस लिखते ही कितने की पड़ेगी मैं तुमको बता दू